आएंगे तो भी स्वागत है, और आप जब भी आएंगे तब मैं पहले से ही आपका स्वागत करके रखता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सर। गडकरी सर, ही इज द ऑनरेरी सेक्रेटरी कर्नाटका पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड सिटीजन्स, APAMRC, आई थिंक इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस। मैं सम्मान करता हूँ सीमा चड्ढा मैम का। शी इज द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ मुस्कान एनजीओ एंड इट इज वेल नोन लीडिंग एनजीओस इन द इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इन दिल्ली। आपका मैम बहुत बहुत आदर है। श्रद्धा के साथ मैं मिस्टर सुरेश पाटिल सर का आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर। एंड सुरेश पाटिल सर इज द प्रोजेक्ट सेक्रेटरी ऑफ संवेदना सेरेब्रल पाल्सी विकास केंद्र एंड इट इज रन बाय RSS जन कल्याण समिति महाराष्ट्र। सर आपका बहुत ही आदर पूर्वक स्वागत है, और मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत ही मैं सम्मान पूर्वक मैं मैडम प्रियोलाल सी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेफेल राइडर जसायर इंटरनेशनल सेंटर उत्तराखंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय न्यास के जो अस्तित्व में और क्रियाशील CEO श्री निकुंज जी, किशोर सुंदराय जी, शुक्ला साहब, नवनीत साहब, अनिता जी, मुस्कान, एवरीबडी, जो भी आप सभी तमाम जितने भी लोग हैं, उन सब की ओर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही आशावान और क्रियाशील हैं। और मैं जितने भी अपने प्रतिभागी हैं पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, योर पार्टिसिपेशन इज वेरी डिवाइन फॉर अस एंड वी वेलकम यू ऑल। और राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म सर्वर पॉलिसी बौद्धिक दिव्यांगजन और बहु दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए कार्यशील है, आप सभी को पता है। यह एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम बात करते हैं उन पेरेंट्स का, उन तमाम दिव्यांगजनों का, जिनके पास यह प्रश्न का उत्तर होता है कि अगर पेरेंट्स नहीं हो, अगर उसका देखभाल नहीं करने वाला कोई हो तो कौन करेगा। तो राष्ट्रीय न्यास में जो यह एक्ट है, जो यह संविधान है, जो यह अगर मैं कहूँ प्रस्तावना है, इसमें हम बहुत ही पहले देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी सुरक्षा, जो दिव्यांगजनों की सुरक्षा है, उनके रहन सहन, उनके देखभाल के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बात किया गया। तो राष्ट्रीय न्यास हमेशा ऑलवेज दे आर मेकिंग यू द इम्पावर्ड, वेरी इम्पावर्ड, वेरी यूनाइट एंड समर्थ, संगठित और सशक्त बनाते हैं। और पूरे देश में लगभग 27 नोडल एजेंसी सेंटर्स हैं, 717 स्थानीय लेवल की कमेटी है, LLCs है, लोकल लेवल कमेटीज, एंड 660 पंजीकृत संगठन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, फिर से अभिनंदन करता हूँ, फिर से धन्यवाद करता हूँ, और मैं आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करता हूँ। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, दैट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन एंड असिस्टेड लिविंग के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। मैं जस्ट इफ आई रिमेम्बर माई सेल्फ इन 2001 एंड 2003, बिटवीन 1 to 3 वी हैड डन द लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इंडिपेंडेंट लिविंग फॉर द पीपल विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इंडिया, एंड वी हैड स्टार्टेड द इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर इन दिल्ली विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल ट्रस्ट। और आज हम लोग असिस्टेड लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ हाउसिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ लिविंग अरेंजमेंट्स फॉर द पीपल हु नीड अ वेरियस काइंड ऑफ और वेरियस लेवल ऑफ मेडिकल एंड पर्सनल केयर। एंड दिस इज द असिस्टेड लिविंग इज अ काइंड ऑफ लिविंग स्पेस फॉर द इंडिविजुअल्स, सो वेयर दे इट कैन बी अपार्टमेंट, इट कैन बी द इंस्टीट्यूशंस, इट कैन बी द इंडिविजुअल रूम्स। सो दीज फैसिलिटीज आर जनरली प्रोवाइडेड लाइक होम लाइक सेटिंग्स, एंड इट इज फिजिकली डिजाइन टू प्रमोट द रेजिडेंट्स इंडिपेंडेंस। एंड आई कैन से हियर द असिस्टेड लिविंग सर्विस हैज द लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द डेली लिविंग एंड अदर केयर्स। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम असिस्टेड लिविंग के बारे में बात करते हैं, तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसकी उसको कैसे हम आगे करें, उसमें कैसे सहायता करें, उसमें क्या सेवा प्रदान करें, उसके लिए की जाती है।
एंड मैं हमेशा, एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि जो अगर असिस्टेड लिविंग के बारे में बात करें तो व्हाट सर्विसेज डू असिस्टेड लिविंग प्रोवाइड, किस तरह की सेवाएं प्रदान करती है। तो अगर मैं देखूं तमाम मैं भारत में, भारत के बाहर भी, तो असिस्टेड लिविंग जो है दिस इज अ सर्विस सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोस्टली द कम्युनिटी। इफ आई से द कम्युनिटी मीन्स द बाय द पेरेंट्स ग्रुप, बाय द सपोर्ट सिस्टम एंड ऑल, एंड दिस इंक्लूड्स द मे बी द 1 to 3 times ऑफ मील, उनको खाना मिलता है, उनका मॉनिटरिंग होता है, मेडिकेशंस होता है, उनके पर्सनल केयर्स के बारे में बात करते, जो भी रेजिडेंट है वहां पर, इंक्लूडिंग देयर ड्रेसिंग एंड बेडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, हाउसकीपिंग एंड लॉन्ड्री सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, एंड इवन द 24 hours इमरजेंसी केयर्स आर ऑल्सो देयर। सो इन दैट वे वी कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रेट सोशल एंड रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल एंड मेडिकल एंड ऑल द सपोर्ट सिस्टम्स आर देयर। बट व्हाई डू आई वी वांट सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, हम लोग क्यों चाहते हैं? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है मोस्टली, जो मेरा 25 या 26 साल का तजुर्बा है उसमें मैं यही देखता हूँ कि जो हमारे खास करके जो कैटेगरीज नेशनल ट्रस्ट डील करती है, इस तरह के दिव्यांगजनों को दे नीड अ डेली एक्टिविटीज सपोर्ट लाइक बेडिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, ईटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट काइंड ऑफ वी कैन से द इंडिपेंडेंट लिविंग सपोर्ट्स दे रिक्वायर्ड, एंड ऑफ्टन दे नीड द लॉट ऑफ हेल्प इन द मेडिकल केयर सिस्टम एंड अदर थिंग्स, एंड ऑल्सो समटाइम्स आई हैव सीन, आई एम मेकिंग इट इन इनवर्टेड कॉमा, समटाइम्स वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस असिस्टेड लिविंग सर्विसेज। इन जनरल वॉट द बिग क्वेश्चन इट कम्स इन माई माइंड इन माई ओपनिंग रिमार्क्स, एंड आई कैन टेल यू हियर, एंड आई वुड लाइक टू हैव द आंसर फ्रॉम आवर रिसोर्स पर्सन्स एंड ऑल द एक्सपर्ट्स हियर। सो इज देयर एनी सिस्टम टू प्रोवाइड द रेसिडेंट्स लाइसेंस फॉर देम? हु इज मॉनिटरिंग? हाउ द गवर्नमेंट इज हैविंग द सिस्टम टू मॉनिटर इट? दिस इज द सम क्वेश्चंस इन कमिंग डेज वी हैव टू थिंक अबाउट थ्रू द नेशनल ट्रस्ट प्लेटफॉर्म, द लाइसेंसिंग पार्ट और इवन द अंडर द आरपीडी एक्ट, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, वी शुड थिंक अबाउट द लाइसेंसिंग ऑफ फॉर द रनिंग सच काइंड ऑफ रेसिडेंशियल और असिस्टेड लिविंग सपोर्ट सिस्टम फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड देर इज अनदर बिग क्वेश्चन कम्स फॉर द इंश्योरेंस और वी कैन से द फाइनेंशियल अरेंजमेंट, डज दिस फैसिलिटी कैरी द पर्सनल प्रॉपर्टी और द समबडीज, जिसके पास पैसे हैं तो वो आ सकते हैं? क्या हम पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई सिस्टम कर सकते हैं कि क्या हम ऐसा कोई कोई एक स्ट्रेटेजी ला सकते हैं? जो भी व्यक्ति है अगर उसको असिस्टेड लिविंग सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत है, अगर वो हाई सपोर्ट नीड करके खास करके लोग हैं और उनके पास कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, कोई इंश्योरेंस हो, कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो जिससे कि वह इस तरह की फैसिलिटीज ले सकता है, एंड दैट इज लॉट ऑफ थिंग्स विच कम्स इन माई माइंड ऑलवेज वी हैव सीन, बिकॉज वी ऑल्सो रन द सम द इंडिपेंडेंट स्टिल वी रन द इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर इन मनोविकास, एंड वेयर वी हैव द वी नीड द लॉट, वी हैव द लॉट ऑफ पॉलिसीज, बट वी नीड द वेरी स्ट्रांग पॉलिसीज, वेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू रन दिस थिंग्स, टू मेंटेन, टू यूटिलाइज द सपोर्ट सिस्टम्स फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी इफ दे आर लिविंग हियर। सो एथिकली, एथिकली इन द सेंस, द एथिकल स्टैंडर्ड इफ आई से इन द प्रैक्टिकल पार्ट, गुड वर्सेस हार्म, सो देर इज अ समथिंग वी कैन से कि यस प्रैक्टिकली कभी कभी ये गुड है, लेकिन समटाइम आई फील कि वहां पर जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता, वो बच्चा कभी कभी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कभी वो अलोन फील करता है, कभी वो निग्लेक्टेड फील करता है और उसको ले जाने वाला कोई नहीं होता। तो क्या हम इस तरह के सपोर्ट सिस्टम को और कैसे कम्युनिटी सपोर्ट के थ्रू बढ़ा सकते हैं? एंड देन राइट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटेक्शन ऑफ द मोरल राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो काइंड ऑफ एथिकली वी हैव टू थिंक एंड डिजाइन, एंड फेयर एंड जस्ट अप्रोच काइंड ऑफ लाइक ट्रीटिंग ऑल एज इक्वल, लाइक अ केयर गिवर और हुएवर इज लिविंग इन दिस
service system. So all are the equal. If then we can think about that kind of ethically, if we think about such arrangements, so everyone who are living in this home are equal, then it will be the better and very, you know, the extensive service, and we have learned it very well. If this is the one thing which we can make the family-like system, and common and good approach which we have learned, and we have the experience with the community based life, or we can say the community support system or community protect. Once the local community and then the nearby community, if they support that system, it makes a lot of changes in our students and the residents. And then the, we can say the some virtue of the approach is the how we can think about the human rights, how we can think about the human development, about their life or about their livelihood, about their skill development or education. That is very important. So that we had the one policy system, we had the kind of arrangements there, we have made the indicators. And the very big indicator which I would like to tell you here, it is the informed choice, the making the informed choice. Once they are making, the residents are making their us apni pasand batate hain, to wo jo outcomes hai in the decision making process, like ki humko kya khana hai, kya pehenna hai, kahan jana hai, kaise karna, so that makes the very joyful environment for the people with those who are living in these facilities. And relevant and adequate information is very important in these things, that to talking to the parents, talking to the community. So if we are giving the adequate information or relevant information, or oh, that makes a lot of things. And even those who are running in these facilities in around the country, I have seen the someone they have the outcomes or goal or duration, they have the some kind of objective to running this thing. But most of them, they don't have kind of what outcomes, why we are keeping these people here. So that kind of goal and objective should be, you know, that's decide the what quality of service, that decide the cost, that decide the everything, the very important things. And which I have seen, the lack is very important. I can highlight here the service providers and their qualification. I'm service provider, I'm including all the caregivers and these things, that their understanding about the people, those who are living in this service, is very important. Then we can provide the quality change and everything which we can say. And I think that we have a lot of things, and confidentiality is very important. Also, here I can quote you here in the UNCRPD, the Article 19, talking about the living independently or being included in the community. So a National Trust, if they plan their Garanda or their all the systems, how the rights or full inclusion or participation in the community can be ensured for the those who are living in this system or the services, that is very important, and that can fulfill their human rights. Even I have seen that the that one very important thing is community support system. Many of that Garonda or Samar, those they don't have, they are very, they're running there very segregately. Even the community or the nearby people, they are not allowed to enter in this home. So that if we are making such arrangement that we are, you know, the stopping the inclusion. So we should have the inclusion in the community, inclusion in the, you know, we have to prevent the isolation. So that is one big thing which I would like to hear. And very important is the responsive to the needs. Uski jarurat kya hai, educational needs hai ya uski skill ki needs hai ya employment needs hai, wo kahin bahar ja sakta hai, open employment ja sakta hai, wo rahe us service center mein, us assisted living arrangement mein, but he can go out for the work and all these things. If we can design such kind of models, that will be very important. Even I remember that in the same UNCRPD in Article 28, it also talk about the standard of living and social protection. So even wherever the persons with disabilities are living, even in the family, even the home, so that adequate food, clothing, and housing is very much important. But most of the people with disability living in the very poverty, in a very poor condition, in a pathetic condition in our country. So how we can safeguard, how we can promote, how we can realize this discrimination?
as we are in Delhi or in the metro cities or somewhere that they talk about the assisted living, but many of them, they are living in the home. They don't have even the proper food or proper medications, proper services. So that Article 28 of UNCRPD is very important, and where the National Trust role is very important. And there we can talk or we can think about the National Trust, how they can make it. Even we talk about the clean water, clean services, the ensuring the appropriate affordable services and devices, the assistive devices. It is very important to have such persons wherever they are living, either they are living in the assisted living home or they are living in the home or wherever they are living. So we need to have to advocate with the government or advocate with the proper system to have the public housing programs for the people with PWIDDs. So how it can be done, I don't know. Just it is my idea. Now I can just in my bind up things, I can say how we can provide the residence or the living arrangement where the equal basis they can live, and they should not be obliged like I'm living here and I'm obliged because due to this so many question marks. So like that we can say even the value and their future should be ensured, what they should do, what they where they want to go someday, or what they want to be in the life. That is very important. And here I have in the conclusion I can say everyone's has the right to live independently, either they are the people with disability or non-disability. So they should live independently within the community, in the community, and to have a job, to have a job for their choice, and to have the they can make their own choice to live or to eat or to enjoy their full potential. So that is one thing which is very important. Wherever they are living, that kind of arrangements is required. The community also need to be accessible in and provide the support to the person with especially the person with IDD to live independently. Even within the community, the support systems, we can talk about the attitudinal or technological or physical support system in the community, so that wherever these kind of facilities are running, the home kind of environments are running, or the people, those who are living in the even in the in their community. So the community should be aware, the community should come and take this stake is very important, which I would like to tell you. And even the key achievement of all kind of services, even the assisted living or wherever the people are living, the human rights is the root to this system. So this much I would like to say in my opening remarks. And now I would like to request Seema Chadha ma'am. She is the deputy director of Muskaan NGO in Delhi, and she is a parent as well as the professional, and she has the very enormous experience working in this sector. And I think she has worked in a lot of areas like CVR and all these things. So we welcome you, ma'am, and please keep your views. Audience, yeah. Thank you, Alok ji. Thank you Thank you. for addressing me with a small experience which I have gathered in these many years. And today I have been actually asked to talk about the parental aspects and the assisted living program. I'm audible, clearly. You are audible clearly, very clear. तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, इज इट इंग्लिश, विच लैंग्वेज यू विल प्रेफर, हिंदी और इंग्लिश और मिक्स ऑफ इट? I think people are from the different part of country, so we should have the mix. मिक्स ऑफ Mix. इट. Yeah. ओके. तो दो माय स्मॉल पीपीटी इज इन इंग्लिश, बट आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी एज वेल. मैं हिंदी में भी साथ साथ बात करूंगी ताकि मेरी पीपीटी इंग्लिश में है, बट ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके. दो ही लैंग्वेज में जा इस समय बोल पाऊंगी, बाकी शायद सबको समझ नहीं आएगी अगर मैं दूसरी मदर टंग बोलती हूँ. तो बहुत अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं कि एक
बड़ी पॉपुलेशन है, देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, जिनकी नीड्स को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. और कैसे उसको नीड्स को एड्रेस किया जाए, एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करें अगर हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, सबसे पहला कदम तो वही होता है कि हमें एक्नॉलेज करना है कि ये नीड है और ये बहुत बड़ी नीड है जिसको एज अ इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होने के नाते पूरा अधिकार है कि एक देश उसको और उसकी सरकार उसको एड्रेस करे. तो जब मैं एज ए पेरेंट, आज मैं प्रोफेशनल भी बनी बिकॉज आई हैव अ डॉटर, और मैं एज ए पेरेंट भी उसी की वजह से बनी. तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर जो इसने मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस दिया और ये जानने का मौका दिया, अपने आप को ग्रो करने का मौका दिया कि मैं दूसरों के शूज में डल के कैसे देख सकती हूँ. तो मैं एक छोटी सी पीपीटी है जो आपके साथ प्रेजेंट करती हूँ और साथ साथ में शेयर करूंगी. Is it visible? Yes, yes, please. Okay. So, basically, as a parent, जब हम जानना चाहते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, हमें ये जरूरत है क्यों? क्या एक नॉर्मल सिटीजन एक देश का होता है तो उसको ऐसी जरूरत पड़ती है? अगर नहीं पड़ती है तो क्यों एक सेक्टर है या एक समुदाय है या एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिनको ये जरूरत पड़ रही है? और उस पॉपुलेशन में हम आज बात कर रहे हैं पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की. और एक पेरेंट के नजरिए से अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो हम उसे इस तरह से जानने की जरूरत है कि ये हम जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम एज ए परिवार, एज ए पेरेंट, हम उस व्यक्ति की देखभाल में शायद हमारे रिसोर्सेस से उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे. जब हम अपने रिसोर्सेस के साथ में हम अपने बच्चे की देखभाल, उसकी जरूरतों को पूरा करने में थोड़े असक्षम हैं, तब हम बाहर समुदाय की तरफ देखते हैं, तब हम ढूंढना शुरू करते हैं कि हमें ऐसा क्या चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो बाकी की सारी जिंदगी या अपनी सारी जिंदगी एक खुशहाल और भरपूर निभा सके. तो जब हम इस चीज की बात ऐसे पेरेंट देखना शुरू करते हैं तो हमें ये जरूर देखना होता है कि अगर वो अपने आप की देखभाल कर सकता है, बहुत बहुत कम उसको जरूरत है कि किसी की गाइडेंस की जरूरत हो, तो कैसी जरूरत होगी? अगर उसको चाहिए कि उसके पर्सनल नीड्स को कोई केयर कर ले, बाकी वो सारी जिंदगी अपने आप के लिए अपने डिसीजंस ले सके, तो कैसी जरूरत होगी उसको? और अगर व्यक्ति है जिसको हमेशा की सपोर्ट चाहिए, जिसकी जरूरतें बहुत ज्यादा है अपनी देखभाल के लिए और किसी और व्यक्ति पर निर्भर है वो तकरीबन 90 या 100%, तो उसको किस तरह की सुविधा चाहिए? एक नॉर्मल पेरेंट अपने बच्चे को ग्रो करता है, उसको एजुकेशन देता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको रेडी करता है, फिर उसके बाद में पेरेंट थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं कि अब वो अपनी लाइफ खुद संभाल सकता है. बट हमारे बच्चों के लिए हमें ये सोच से थोड़ा सा हटके सोचना पड़ता है, हमें तब बाहर किसी फैसिलिटी के लिए देखना पड़ता है जब हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स की कमी. एज ए केयर गिवर अगर हम कहें पेरेंट हैं या कहें कि दादी दादा हैं या कहें कि नानी नाना हैं या कहें कि कोई अंकल हैं,
कोई भी केयर टेकर हो सकता है, वो ओड़े बूढ़े हो गए हैं, उनकी एज हो गई है, वो उन रिसोर्सेज को नहीं संभाल पा रहे हैं या उसकी जरूरतों को नहीं संभाल पा रहे हैं, या उनके अपने हेल्थ इश्यूज ऐसे हो गए हैं कि अगर बहुत एज नहीं भी हुई है तो वो पूरी केयर के लिए किसी और की तरफ देखना चाहते हैं। सिंगल पेरेंट है, वो अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स के लिए जॉब के लिए जाए, लाइफ को अपने बच्चे की अच्छी देने के लिए कमाए बिना, फाइनेंसेस के बिना वो ना तो खुद घर चला पाएगा ना बच्चे को अच्छी लाइफ दे पाएगा। जब वो बाहर निकलता है तब भी इन रिसोर्सेस के लिए तरफ देखता है कि ऐसा क्या इंतजाम किया जा सके, ऐसे क्या रिसोर्सेस मुझे उपलब्ध हो सके कि मैं अपनी जिंदगी, परिवार की जिंदगी और इस बच्चे की जिंदगी अच्छी बना सकूं। फाइनेंशियल रिसोर्सेस सिर्फ देखभाल के लिए नहीं चाहिए, मेडिकल नीड्स बहुत हाई होती है। तकरीबन मैं अगर प्रॉपर डेटा नहीं भी वो तो कह सकती हूँ 80% हमारे जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी तरह की मेडिकेशन पे हैं। तो उन रेगुलर मेडिकेशन, रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर डायग्नोसिस और अपनी जॉब को छोड़ के, अपनी जॉब के सैलरीज को कॉम्प्रोमाइज करके उनकी नीड्स के लिए हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भागना, सब फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। अटेंडेंट रखना हो तब भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो जब हम इन सब चीजों को जान रहे हैं कि हमें क्या क्या वजह हो सकती हैं कि एक पेरेंट को ऐसी सुविधा की जरूरत महसूस हो, तो हमें ये भी जानना है कि कब इस सुविधा के लिए पेरेंट्स सोचना शुरू करता है। बहुत बड़ा सवाल है। जब तक पेरेंट 55-60 साल के होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके अपने बच्चे होते हैं जो उनके हाथ बटा रहे होते हैं और उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है कि ये एडल्ट हो रहे अपने पर्सनल डिसेबिलिटी, क्योंकि वो भी एडल्ट हो रहा है, आप अगर एजड हो रहे हैं तो वो एडल्ट हो रहा है, वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते। ये नहीं कि मैं कहूंगी कि 60 साल या एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जब तकरीबन 35-40 साल का हो रहा है तभी पेरेंट इस तरह की जरूरतों को महसूस करते हैं। अदर वजह भी हो सकती हैं, दे मे बी अदर चैलेंजेस, जिसे मैंने अनरिजॉल्व चैलेंजेस बोला है। कभी कभी बहुत ओवर एक्टिव होते हैं हमारे बच्चे, या रिएक्शंस बहुत होते हैं फैमिली में, एनवायरमेंट में रहते हैं हमारे बच्चों के, और वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम उनकी उम्र के साथ में वो पक जाते हैं और वो फैमिली के डायनामिक्स को देखते हुए, उनके रिसोर्सेस को देख के कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं पर्संस के साथ में जिन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है एक लिमिटेड रिसोर्सेस, जिसे हम पेरेंट बोलेंगे, उनके अपने ही दायरे में उसको रिजॉल्व करना, या वो समय आता है जब ये भी आपका बच्चा एक है जिसको फुल अटेंशन चाहिए, दूसरे सिबलिंग्स उनके हैं जो स्कूलिंग एज में हैं, उनको भी पूरा अटेंशन चाहिए, और एज ए पेरेंट आप शायद उस चीज में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो कि मैं कितना इस बच्चे के लिए टाइम स्पेंड करूं, रिसोर्सेस स्पेंड करूं, और दूसरे बच्चे के लिए कितना रिसोर्सेस स्पेंड करूं। तब भी शायद ऐसी नींद उठती है जब हम ऐसी सुविधा देखते हैं जहां पे उनकी एजुकेशन हो सके और उसकी लिविंग फुलफिल की जा सके। केयर गिवन हो सकता है इस बच्चे के साथ में एज से पहले ही, उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जाए, हेल्थ एलिमेंट्स, जिसकी वजह से उसको मुश्किल हो जाए अपने बच्चे की देखभाल करना। सिंगल पेरेंट हो, जैसे मैंने पहले कहा, उसको भी रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। अगर ओवरऑल ही आप देखोगे फैमिली में रिसोर्सेज कम है, मैंने क्योंकि स्लम में भी काम किया है,
मैंने स्लम कहेंगे और एक विलेज टाइप एनवायरमेंट में भी काम किया है, अब एक अर्बन में भी मैंने काम किया है. तो एक टोटल में अगर मैं पूरे उसको पॉपुलेशन को देखती हूँ तो एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिसके पास में ना फाइनेंशियल, ना एकोमोडेशन, ना ना ऐसे अच्छा खाना, ना अच्छा ऐसा पीना, ना ऐसे सुविधा, ना पैसे, कुछ नहीं होते. फिर वो बच्चा सिर्फ कहाँ होता है, गलियों में होता. पेरेंट को कमाना है, रोज की रोटी कमा के आएंगे, मजदूरी करेंगे, तब बाकी बच्चों का पेट भरेंगे या खुद मुंह में कुछ डालेंगे. वो भी कम्युनिटी है जिनको ऐसे होम्स की जरूरत है, ऐसे आश्रय की जरूरत है, ऐसे रिसोर्सेस की जरूरत है जहां पर वो उसको देखें, उसे मिलते रहे लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीते हुए भी देख सकें. अगर हम जानना चाहें पेरेंट्स को, एक्चुअली जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ काफी पेरेंट्स के, ऑलमोस्ट डेली में 2-3 कॉल्स आती हैं, और जहां एक नीड महसूस होती है कि पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं, मेरी नीड क्या है, मेरे बच्चे की नीड्स कैसी हैं और उसके लिए कैसी सुविधा के लिए मैं देख कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे समझाएगा कि इस नीड्स को कौन सा सेंटर है, कौन से देश के मतलब हमारे स्टेट के कॉर्नर में कौन सा सेंटर है जहां देखा जा सकता है, मेरे ही नजदीक कौन सा सेंटर है जो देखा जा सकता है. हमारे डिफरेंट सेटअप्स हमने देखे हैं, आप सब ने भी देखे होंगे. एक पॉपुलेशन है जहां पे व्यक्ति में बहुत कम डिसेबिलिटी है, घर में फुली इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स ने दे रखी हैं और वो पूरा एक फैमिली का जब वो हिस्सा है तो पेरेंट्स को लगता है कुछ ऐसी चीज हो, ये बच्चा मेरे घर में मेरे बाद मेरे घर में ही रहे. कोई रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऐसे क्रिएट कर दे, कोई ऐसे एनजीओ ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट कर दे जहाँ मेरे घर पे आके कोई व्यक्ति इसकी देखभाल करे और वो अपने जिस सुविधा में, जिस कंफर्ट लेवल में, जिस स्टेटस के साथ वो इतनी जिंदगी जिया है वो बाकी की जिंदगी भी वैसे ही जी. वो एक नीड और एक काइंड ऑफ सर्विस है. ग्रुप होम, ग्रुप होम हम जरूर कहेंगे, हो सकता है बिग नंबर्स हो पर बिग नंबर्स में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आर ऑलवेज क्वेश्चन. ग्रुप होम्स विद स्मॉल नंबर, जैसे नेशनल ट्रस्ट ने क्रिएट करी है स्कीम्स, वरांदा स्कीम या समर स्कीम विद अ लिमिटेड नंबर, और ऑब्जेक्टिव वही है कि सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होनी चाहिए. ये होम्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अफोर्डेबल हो जाते हैं. जितने कम बेनिफिशरीज होंगे उतने कॉस्ट हाई होंगे, जितने ज्यादा बेनिफिशरी होंगे कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी. पेरेंट के ऊपर कॉस्ट कम पड़े क्योंकि पेरेंट को जब तक जॉब में है तब तक वो मैनेज कर सकते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए मैनेज करना पेमेंट्स बहुत मुश्किल. उनकी जो भी जमा पूंजी होती है उसमें से भी अगर वो स्पेयर कर पाए तो इसलिए वो अफोर्डेबल होम्स चाहते हैं. कम्युनिटी असिस्टेड लिविंग बोले, कम्युनिटी लिविंग बोले, बहुत डिफिकल्ट है. ऐसे हमें एग्जाम्पल्स मॉडल्स मिले बहुत डिफिकल्टी से मिलते हैं क्योंकि यहाँ जो पूरा सेटअप है किसी ना किसी पेरेंट के इनिशिएटिव से शुरू हुआ होता है और वो पेरेंट को बाकी पेरेंट्स के साथ में मिलके एक साथ लेके इसको चलाते रहना जब तक वो स्ट्रेंथ में है, उसमें एनर्जी है, फाइनेंसेस है और अलाइव है. अगर अगर उसका बच्चा उससे उम्र में आगे जाने वाला है तो फिर कौन सा पेरेंट आगे आके उस सेटअप को कंटिन्यू करे, उसको सस्टेन करे, बहुत बड़ा सवाल है. इंक्लूसिव, हम बहुत इंक्लूसिव के लिए सोचते हैं, हम कोशिश हर एक उसमें करते हैं इंक्लूसिविटी,
अगर हम उसमें इंक्लूसिवनेस देखें तो हम सोशल गैदरिंग्स जो इंटर्न्स हैं या वॉलेंटियर्स हैं या हमारा स्टाफ होता है वो भी इंक्लूसिवनेस लाता है. एक सिर्फ टैग इंक्लूसिव का डालने से नहीं, वी हैव टू सी इट इन अ ब्रॉडर टर्म. बट दूसरी तरफ जो अब सिनेरियो आ रहा है जैसे को लिविंग, मुस्कान हैज बीन ट्राइंग. बिफोर कोविड शायद हमारा पिछले साल में शुरू हो जाता अगर ये कोविड सिचुएशन नहीं होती. देयर वाज अ कंपनी हु अप्रोच्ड अस एंड हमने उनके साथ में उस कॉन्सेप्ट को बनाना शुरू किया. और जब हम बना रहे थे तो कोविड जैसा चीज हो गई और वो बैक ऑफ हो गए बिकॉज ऑफ द देयर ओन लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ सिस्टम. सीनियर सिटीजन होम में हमें एज ए पेरेंट को लगता है कि शायद जरूरतें मिलती जुलती हैं, इन बच्चों को भी वैसी ही केयर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए जैसे एक सीनियर सिटीजन को चाहिए. बट वहां पर भी फर्क हम सोच जरूर सकते हैं काफी मिलती जुलती है. हम वहां पर ये भी सोच सकते हैं कि बुजुर्ग हैं हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको बुजुर्गों का प्यार मिलेगा, एक होम लाइक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा डेफिनेटली. बट एक जब सीनियर सिटीजन की जरूरत होती है और स्पेसिफिकली पर्सन डिसेबिलिटी की जरूरत होती है तो प्रायोरिटी वहां पर किसको दी जाएगी वो एक देखना बहुत जरूरी. सीनियर सिटीजन होम्स में भी आजकल ट्रेंड है, इवन कॉन्ट्रैक्टर्स हैव स्टार्टेड, उन्होंने भी बड़े बड़े अपने अपार्टमेंट्स में एक परसेंटेज रखनी शुरू कर दी है या एक सेट ऑफ नंबर्स उन्होंने कर दिए हैं कि देयर फैमिलीज कैन लिव हियर. वो यहाँ रह सकती हैं, परिवार एक फ्लैट खरीद सकती हैं. हम छोटा सा वोकेशनल सेंटर बीच में बना देंगे, एक इंडिविजुअल कुछ रूम्स बना देंगे. तो उस तरह के भी सेटअप्स जरूर हैं इस समय और साउथ साइड पे ज़्यादा हैं, इस तरह का एक्सप्लोर हो रहे हैं सेटअप्स. उन सेटअप्स में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए पेरेंट्स. मोटे तौर पे कहेंगे हम चाहते हैं मेरा बच्चा जैसा मेरे घर पे रहा है वैसे ही रहे, वैसी फैसिलिटीज मिले, मेरे घर के नज़दीक हो सके जितना, क्योंकि जब मैं ओल्ड भी हो जाऊँ मैं उसको जाके देख के आ सकूँ वो ठीक है कि नहीं, उसकी देखभाल सही से हो रही है कि नहीं. तो हम जब देखना शुरू करते हैं फैसिलिटीज को, हम डिफरेंट डिफरेंट होम्स में जाते हैं, देखना शुरू करते हैं, फिर हम अपनी सोच में लेके जाते हैं कि अगर मेरे बच्चे को एक कंफर्टेबल हाइजेनिक एनवायरनमेंट मिले, कमरा हो अच्छा सा, अच्छे से लेआउट हो, उसमें वेंटिलेटेड हो, उसके काम करने के मौके हो वहां पर, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो तकरीबन होम्स में मिसिंग हो जाती है. कि हमें लगता है कि जैसे आलोक जी ने कहा, अच्छा खाना दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छे, पर उसको एक एज है जिसमें उसने अपने भाई बहनों को सबको काम करने जाते हुए देखा है, उनको तनख्वाह घर में लाते हुए देखा है और उसको अपने तरीके से स्पेंड करते हुए भी देखा है. और जहाँ थोड़ा सा माइंडर इफेक्ट होता है इस चैलेंजेस का वो एस्पिरेशंस बहुत होती है. तो ऐसे होम्स में वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बहुत जरूरी. वो आपका सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं प्लस वो एक पर्सन को फुलर लाइफ देते हैं. यहाँ मैं एग्जांपल दूंगी, जहाँ मुस्कान का हमारा रेजिडेंशियल फैसिलिटी जब शुरू हुआ था हमने शुरू से उनको उस इंडिपेंडेंस में, उन स्किल्स में ग्रूम करना शुरू कर दिया, जिसमें आज एक केयर टेकर है जो एक और स्पेशल बच्चे की केयर में एम्प्लॉयड है. एक है जो अपनी मदर जो 85 ईयर्स ओल्ड है उनकी फुल केयर कर रहा है. अदरवाइज एक अटेंडेंट हायर करना एंड द होल लॉट ऑफ फाइनेंसेस इज अनदर. हम वो कहते हैं ना, जैसे हाउसवाइफ को कहते हैं ना कमाती नहीं है, अगर हमारे बच्चे घर में इस तरह की पूरी सर्विसेज देते हैं तो हम उसको कभी फाइनेंशियल उसमें दे नहीं देते हैं कि ही इज बेनिफिटिंग इन माई हाउस. तो हेल्थ केयर चाहिए, जैसे हमें बोला ओल्ड एज में जाके वो नीड्स ग्रो करेंगी,
किस तरह की सर्विसेज होंगी, कैसे नेटवर्किंग होगी, कैसे हमारे बच्चे की स्पेशल हेल्थ केयर को वो इंस्टीट्यूट में से चाहते हैं कि वो फुल 100% केयर एंड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। पर यहाँ पर मैं कहूँगी पेरेंट को ही प्रिपेयर पहले करना है अपने आप को, ताकि वो इंश्योरेंस या वो फैसिलिटीज अपने बच्चे के लिए क्रिएट करके उस इंस्टीट्यूट को फैसिलिटेट करे। इंस्टीट्यूट के लिए बहुत मुश्किल होता है हर एक मेडिकल नीड के लिए रिसोर्सेज जनरेट कर, कोर्स रिक्रिएशन सोशल इंटरेक्शन, सबसे फॉरमोस्ट इज माय नीड, माय पर्सनल नीड अगर उसमें एड्रेस हो रहे हैं तो दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एन इंस्टीट्यूट। लास्ट पर्सनली क्वेश्चन आएगा, कौन करेगा? आई एम लुकिंग टू द सोसाइटी टू डू इट। मैं ढूंढ रही हूँ जाके कहाँ मिलेगा, कौन कौन बना रहा है, कौन कौन क्रिएट कर रहा है, कौन मुझे देगा एश्योरेंस के मेरे बच्चे की लाइफ तक वहां पे इसकी क्वालिटी मेंटेन होगी। अकेली गवर्नमेंट शायद नहीं कर पा रही है, ना ही कर पाएगी। सर्विसेज के लिए एक बहुत अच्छा वेल थॉट मॉडल हो सकता है जिसमें हम पीपीपी मॉडल कहते हैं, अभी आलोक जी ने भी इसकी जिक्र किया था, जिसमें पेरेंट्स या प्राइवेट पार्टनर्स पार्टीज हैं, पब्लिक गवर्नमेंट हैज टू कम इन दैट, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इज द फॉरमोस्ट थिंग फॉर एनी इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 6 साल नहीं। ये हमने नेशनल ट्रस्ट में भी प्रपोजल दिया था, हमने मिनिस्ट्री में भी दिया है, जब हमें अपना डेरा वाला प्रोजेक्ट शिफ्ट करना पड़ा, इट वॉज वेरी सैड पार्ट ऑफ इट कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, उसको एक्सटेंड नहीं किया, एक्सपैंड नहीं करने का मौका दिया, बट द रियलिटी इज दैट सच मॉडल्स कैन सस्टेन बी सस्टेन्ड ओनली इफ दे हैव देयर ओन लैंड, या गवर्नमेंट इंश्योर्ड रखे दिस विल कंटिन्यू टू बी देयर टिल द इनमेट्स आर अलाइव एटलीस्ट। थैंक यू फॉर हियरिंग मी, आई होप मैं कंप्लीटेड ऑन द टाइम, या ग्रेट, थैंक यू मैम, एंड आई एम एबल टू फिनिश इन टाइम, या ग्रेट, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। और अगर टाइम है तो मैं एक छोटी सी स्लाइड्स दिखा सकती हूँ हमारे इस मॉड्यूल में से, प्लीज। थैंक यू, आई लॉग ऑफ फ्रॉम दिस शेयर, जस्ट यू स्क्रीन करके, या आई जस्ट शेयर दैट। एक्चुअली कुछ हमारा इसमें कैन यू सी दिस, नो नो, अच्छा मुझे शेयरिंग पे जाना पड़ेगा, सॉरी शेयरिंग, ओके। तो जब हमने स्टार्ट किया था, हमने शुरू से ही इन कुछ कुछ चीजें जिनकी वैल्यूज है हमारी लाइफ में, उनको कोशिश की थी कि हम डालें, जो एक पर्सन को डेवलप करती हैं। इट्स ऑलवेज मेडिकेशन इज अ फॉरमोस्ट थिंग, रहने के लिए उनके ऐसे जगह हो जहाँ पे कंफर्ट लेवल उनको दिया जा सके, लगे ही मेरा कमरा है, मैनेजिंग द ओन वार्डरोब, choosing what to wear, being with the other people, let it be a dog, can be a friend of a person, also taking complete responsibility of managing the facility, jisme different activities different logon ke sath mein as a responsibility ko trained kiya and then they started fulfilling it, working in the kitchen, they are both other residents, participating, like jitna bhi jo bhi kar sake, agar chaku nahi chala sakte to kaat ke haath se tod ke gobhi ko wo alag kar sake, whatever small things they can do, vocational recreation mein aisi cheeze bana sake jiski value ho,
so that they can see what they have put their energy into and it has a value and it is needed by people. So bahut sari activities unke liye hum log ne create kari or they became part of those activities. This is the girl, she is with hearing impairment, a very mild intellectual disability. She does such a beautiful embroidery. So kuch kuch opportunities humne unko pure full mauka diya jahan unke skills, jahan unke interest unko le ja sakte the. And this is our medical with services we had. So somewhere a fuller life. एक मेरे बच्चा, आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मेरे घर में मेरा एक नॉर्मल बच्चा क्या क्या जरूरतें चाहता है, कैसे उसकी नीड होनी चाहिए, क्या होती है, उसको कैसे वहां पे एक होम, उस होम में भी क्रिएट किया जाए. पेरेंट पार्टिसिपेशन हमेशा रहा है हमारे होम में. दे हैव बीन कमिंग, आउटिंग्स हैं पेरेंट्स के साथ में, आउटडोर ट्रिप्स करना है. सो वी हैव ट्राइड टू गिव देम अ लाइफ जो एक नॉर्मल पर्सन एक होम में अपने ही घर में जीता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. We have Mr. Suresh Patil sir. He is the project secretary of Samvedna Cerebral Palsy Vikas Kendra, run by the RSS Jan Kalyanam Kalyan Samiti Maharashtra. He has the extensive experience in this sector, and very prominently we can say he is the SNAC, State Nodal Agency Center in the Maharashtra. So sir, welcome you, and you also run the Gharonda scheme, sir. So please sir, keep your privileges. Yeah, dhanyavaad Patil sir. Dhanyavaad sabhi ka main hardik swagat karta hu. Main Suresh Patil, Maharashtra mein Latur hai. जो 1993 में भूकंप हुआ था, इस क्षेत्र में एक अपना नेशनल ट्रस्ट का घरोंदा केंद्र है. 2006 में संवेदना प्रकल्प की स्थापना हुई और स्थापना होने के पश्चात इसके अलग अलग एक्टिविटीज प्रारंभ किए हैं. डे केयर सेंटर, रेस्पाइट सेंटर, घरोंदा स्नैक है, अभी जनवरी 2021 से शुरू हुआ है. एक घरोंदा जो है सेंटर है, देहात के इलाके में है, रूरल एरिया में है. तो हम यह विचार किया है और हमें अनुभव भी आ रहा है कि अपने जो घरोंदा केंद्र है या बुद्धि बाधित जो हमारे दिव्यांग भाई और बहनों है, विशेषतः 18 प्लस के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक बहुत अच्छे उपक्रम हम चला सकते हैं. हम जानते हैं कि कृषि यह विषय अमर्याद है, व्यापक है, और अभी जो इंट्रोडक्शन में कहा गया कि आजादी के 75 इयर्स, इसमें किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है. और हमारा जो देश है वो खेती प्रधान है, ज्यादा करके किसान भाई है, और हम उसका सर्वेक्षण भी किए हैं. काफी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो सभी दिव्यांग व्यक्ति है वो किसान से जुड़े हुए हैं. इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस में काम करने वाले सभी महानुभवों को एग्रीकल्चर रिलेटेड अपने विविध उपक्रम का बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं रहती. प्री वोकेशनल, वोकेशनल, छोटे मोटे ऐसा कुछ ट्रेनिंग दे दिए
तो ये दिव्यांग व्यक्ति कृषि से संबंधित अच्छा रोजगार या एम्प्लॉयमेंट निर्माण कर सकते हैं। जब खेती की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, तब हम जो एक विषय लिए तो ध्यान में आएगा, जैसा नर्सरी विषय है, इसमें फूलों की, फलों की, सब्जियों की या वन औषधि, छोटे छोटे ऐसे नर्सरी में दिव्यांग बच्चे कार्य करते हैं। केवल कार्य नहीं है, इसका अच्छा मार्केटिंग भी करते हैं। अब तो पश्चिम महाराष्ट्र में मैं देखा हूं, पुणे के पास, कोल्हापुर के पास, जहां शुगर बेल्ट है, शुगर फैक्ट्री ज्यादा है, वहां अभी शुगर केन के पौधे, छोटे छोटे पौधे निर्माण करने की आवश्यकता लगती है। अपने घर में छोटे छोटे पौधे 15 दिन, 1 महीना उसको डेवलपमेंट करने के पश्चात बाद में खेती में जा, पानी भी कम लगता है, समय भी कम होता है, डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में तूर दाल है, ज्यादा इसका प्रोडक्शन भी होता है, उसके भी छोटे छोटे पौधे हम यहाँ निर्माण करते हैं और उसका भी हमें अच्छा अनुभव आया है। कोरोना के काल में जब घरोंदा में दिव्यांग बच्चे रहते थे, तब जो अपना आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा है, उनके जो निर्देश थे तुलसी, तो ये देते समय ध्यान में आए कि वन औषधि भी हम ठीक तरह से डेवलप कर सकते हैं। बेल, तुलस, गुगल, अडुलसा, अश्वगंधा, इसके भी एक निर्माण प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। सोलापुर के पास अपना एक जीवाड़ा संस्था का अंतरोड़ी एक स्थान है, वहां दिव्यांगों की काफी संख्या है। मैं वहां भी देखा हूं, नारियल की पेड़ लगा है, फलों की पेड़ लगाए थे, वो फल निकालना, उसका ठीक तरह से पैकिंग करना और मार्केट में बेचना, ये सभी दिव्यांग भाई बहनों अच्छे कर रहे थे। कभी कभी इसमें कठिनाई क्यों आती है, तो इनका प्री वोकेशनल, वोकेशनल में एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई प्रशिक्षण नहीं हो पाता। जिनका प्रशिक्षण हुआ है वो घरोंदा में अच्छी गति प्राप्त लिए हुए हैं, इसलिए स्कूल लेवल तक यह विषय की ट्रेनिंग अच्छी देने की आवश्यकता लगती है। यह भी विचार करने की आवश्यकता है। केवल नर्सरी से रिलेटेड एग्रीकल्चर विषय नहीं है, पशुपालन से भी है, दूध है, भैंस है, दूध के, गाय या भैंस के घरोंदा में रखने की वजह से दूध का अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है वो भी हम कर सकते हैं। सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक अटपाडी स्थान है, वहां एक अभिभावकों को मिलने के लिए मैं गया था, डाउन सिंड्रोम का बच्चा, देशपांडे जी उनका नाम, तो वो बकरी, बंदिस्त, मराठी में बंदिस्त बोलते हैं, यानी बकरी जो हम इकट्ठा उसका व्यवसाय करते हैं, वो मर्यादित क्षेत्र में उसको संभालते हैं। तो डाउन सिंड्रोम बच्चा बहुत अच्छा बकरी संभालता, पानी उसको पिलाना, चारा समय पर दे देना, और वहां के अभिभावकों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट लगता। तो अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड पशुपालन व्यवस्था, ये भी एक महत्वपूर्ण की मुझे लगती है। इसके साथ साथ अगर अपनी अच्छी गौशाला वहां है, तो गौशाला के रिलेटेड हम कुछ वनौषधि, औषध भी वहां हम तैयार कर सकते हैं। जैसा धूप है, अगरबत्ती है, शैम्पू भी है, सोप भी है, हमारे घरोंदा केंद्र में यह हम बनाते हैं। और कोरोना काल में इसकी बहुत आवश्यकता लगी, गौमूत्र का महत्व तो अब बहुत भी अधोरेखित भी हुआ है, तो ये विषय भी हम
एम्प्लॉयमेंट के तौर पर हम विचार करने की आवश्यकता मुझे लगती है। चलो गांव की ओर, चलो आत्मनिर्भर की ओर, हम हमारे ये इथिक्स में ये सब्जेक्ट आते हैं तो ये प्रैक्टिकल वर्क एग्रीकल्चर रिलेटेड उपज उपक्रम जो है हम किए तो निश्चित इसका समाधान हमें मिलता है। एग्रीकल्चर ऐसा विषय है वो निसर्ग के सानिध्य में रहना पड़ता है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है, जीवन अच्छा जीने की एक तमन्ना बढ़ती है और हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों भी बहुत आनंद के साथ यह हम अनुभव करते हैं। कहीं घरौंदा भी केंद्र में देखा हूं, जिस घरौंदा में अच्छी पर्याप्त जगह है, जमीन है, पानी की व्यवस्था है, वो वहां कर सकता है। और अभी तो आत्मनिर्भर की जो बात है तो घरौंदा के लगने वाली सब्जी है, फूल है, फल है, वहां हम तैयार कर सकते हैं, वहां के बच्चों को एम्प्लॉयड भी दे सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है। वहां खेती अच्छी रही तो दूध के लिए भी, दूध प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा हम उपयोग कर सकते हैं। तो घरौंदा के लिए पर्याप्त जगह लेने की आवश्यकता है, रहने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से लॉन्ग पीरियड के लिए प्लानिंग भी करने की जरूरत है। सिटी में जो घरौंदा केंद्र है उनके स्थान के लिए, जमीन के लिए मर्यादा रहती है, इसलिए अपना घरौंदा जो केंद्र है वो गांव के पास रहना अच्छा है। दिव्यांगों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी है ये विषय आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूं, इसके कुछ अच्छे अनुभूति भी ले रहा हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड यू आर वेरी मच ऑन टाइम। और चलो गांव की ओर, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कहा सर, दिस इज वेरी वेरी इनोवेटिव एंड आई वॉज थिंकिंग आई एम वेरी मच यू नो इंटरेस्टेड इन द डूइंग दिस एग्रीकल्चर काइंड ऑफ वर्क। कि भाई जब रिटायरमेंट का थोड़ा सा लगता है कि इधर से मैं दिल्ली से थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा तो आपके पास आऊंगा काम करने। सो थैंक यू, ग्रेट एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी यू हैव टोल्ड अबाउट इट। एंड नाउ वी विल गो टू मिस्टर जेपी गडकरी सर, ही इज द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द कर्नाटका पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड सिटीजन कर्नाटक। एंड गडकरी सर को तो कौन नहीं जानता है, ही इज फ्रॉम he's a pioneering work and his is starting the movement and everything for the people with disability. It is very much acknowledged throughout the nation, and we welcome you Mr. Gadkari sir, JP Gadkari sir, please. Thank you Dr. Alok Bhuman. Thank you sir, thank you. After a long time I'm seeing you here sir. Yeah. I didn't have much contact with you, but I had heard you right from the beginning today, and I was very much inspired by your talk. You have a kind of complete idea as to what needs to be done. But my job is little difficult. First of all, I want to thank the National Trust and you as actually, I could not do any preparation because my name was suggested by my president at the last minute, and only yesterday I came to know that I have to be a resource person over here. Yesterday I could get download the program sheet, and I found that I have been given a subject of the future plan on assisted assistive living
for other persons with intellectual and developmental disability. Now, this is a subject which is to my heart. Of course, my Hindi mein bhi baat karunga, beech-beech mein. और क्योंकि मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के समझ में आए, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मुझे जो टॉपिक दिया गया है उसके तरफ जाने से पहले मुझे एक छोटा सा निवेदन करना है. I feel it's very ironical, but ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हम फ्यूचर प्लान ऑफ असिस्टिव लिविंग ये एक नेशनल ट्रस्ट के तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाने वाला सेमिनार है, उसमें इसके ऊपर बात कर रहे हैं. मुझे अजीब सा ये इसलिए लगता है कि नेशनल ट्रस्ट का भविष्य जो है वो ही आज खतरे में है. मैं ये बात इसलिए बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ क्योंकि सरकार ने अब ये स्कीम बनाई है और लगातार इसके लिए कोशिश हो रही है कि ये नेशनल ट्रस्ट को बाइंड अप कैसे किया जाए और या तो इसको किसी के साथ मर्ज कर दें या कोई नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर इसको शामिल कर दें या इसके जो कार्य है वो किसी डिपार्टमेंट को सौंपे जाए. ये सब चीजों के ऊपर विचार हो रहा है और हमारे हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक लगता है कि काफी अरसे से ये प्रेशर भी हमारी जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इसके ऊपर आ रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी आप निर्णय लीजिए. तो ये खतरा रहते हुए ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं कि जो कि बहुत जरूरी है ये मैं समझता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ये जो एक उनका एक इरादा है इसको बिल्कुल छोड़ दे क्योंकि नेशनल ट्रस्ट जो बना मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा शायद आप लोगों को मालूम होगा कि नेशनल ट्रस्ट के निर्माण में जब इसका बिल बन रहा था तो मैं भी उस कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी का एक मेंबर रहा और नेशनल ट्रस्ट को बनाने में मेरा भी काफी हिस्सा रहा है. तो और मैं ये समझता हूँ कि ये नेशनल ट्रस्ट जो बना वो ही बना पेरेंट्स के तरफ से बना, पेरेंट्स के लिए बना और हमारे जो बच्चे हैं ये क्या कहते हैं उसको इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटली डिसेबल बच्चे हैं उनकी जो खास जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जब सारे पेरेंट्स ने मांग उठाई तब ये बना जाके, नहीं तो उस समय 1995 में पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट जो कि एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था वो ऑलरेडी बन चुका था लेकिन सरकार ने भी हमारी बात मानी और ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट बना और इसने बहुत कुछ अच्छा काम जब 2000 में बन गया 1999 में दिसंबर में इसका बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और इसकी शुरुआत हुई. तो मुझे याद है कि नेशनल ट्रस्ट का जो बोर्ड है
उसके बोर्ड के अंदर ये डिसीजन हुआ था 2002 में, इफ आई एम राइट, 2002 में ये डिसीजन हुआ था कि एक रीच एंड रिलीफ करके स्कीम बनाई गई और वो नेशनल ट्रस्ट बोर्ड के सभी सर्वसम्मति से उसको पास किया गया। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा दैट द नीड ऑफ द चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एंड द क्वेश्चन कॉन्स्टेंट वरी ऑफ द पेरेंट टू व्हाट विल हैपन टू माय चाइल्ड व्हेन आई एम नो मोर, इसका जवाब ढूंढते ढूंढते नेशनल ट्रस्ट ने ये स्कीम बनाई थी जिसको 2002 में सर्वसम्मति से नेशनल ट्रस्ट बोर्ड में पास किया था। उसमें रीच एंड रिलीफ ये जो स्कीम थी उसी में ये असिस्टिव लिविंग फॉर एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ये शामिल। तो ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए या नेशनल ट्रस्ट के लिए कि इस तरह की सुविधाएं दी जाए। और नेशनल ट्रस्ट ने इसके बाद भी, हालांकि उस समय ये मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश उस वक्त की सरकार ने ये रीच एंड रिलीफ स्कीम जो थी नेशनल ट्रस्ट ने बनाई हुई उसको नामंजूर कर दिया, क्योंकि इससे उनका कहना था एक तो खर्चा बढ़ेगा और दूसरा उसमें एक सुविधा ये थी वो स्कीम में कि कई जो स्वायत्त संस्थाएं मतलब एनजीओ थे उनको अपनी इमारत बनाने के लिए फंडिंग की व्यवस्था की गई थी कि वो बनाए जैसे एक होम बनाए जहाँ पे इन बच्चों के रहने का उनकी देखभाल करने का इंतजाम हो। तो उसमें खर्चा भी बहुत आएगा और कई जो संस्थाएं थी वो शायद इसको जिम्मेदारी से काम नहीं करेगी, ये डर भी उन्होंने व्यक्त किया था और उसको उस समय के मंत्रालय ने या गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया। लेकिन बाद में जाके नेशनल के ट्रस्ट के तरफ से समर्थ स्कीम आई और समर्थ स्कीम में ये सुविधा थी कि जो संस्थाएं इस तरह की सुविधा निर्माण करना चाहती है या जो किराए पे मकान लेके जहाँ पे इनका रहने का बंदोबस्त हो सकता है ऐसी व्यवस्था करें और हम उनको फंडिंग इसके बारे में देंगे। और वो काफी अरसे तक ये चली स्कीम। बीच में जो नेशनल ट्रस्ट का फंक्शनिंग था उसमें इतनी गड़बड़ी चल रही थी कि समर्थ स्कीम के लिए भी ये हो गया था कि इसको बंद कर दिया जाए। फिर नेशनल ट्रस्ट ने ये सेकंड उसकी जो चेयरपर्सन थी उनके कार्यकाल में ये घरौंदा स्कीम बनाई और ये घरौंदा स्कीम में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया था कि इसमें जो बीपीएल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके या तो उनके अभिभावक नहीं है या उनके अभिभावक के पास में ऐसी परिस्थिति है उनकी कि वो उनके लिए किसी ग्रुप होम या किसी में रख के
उनका खर्चा नहीं दे सकते हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए ये घरौंदा स्कीम में उन्होंने ये सुविधा की थी कि जहाँ जहाँ ऐसी संस्थाएं हैं वहां पे पांच पांच ऐसे बीपीएल बच्चों को रखा जाए। वो भी एक स्कीम शुरुआत में आई वहां, और उसके लिए भी फंडिंग वगैरह का इंतजाम किया गया था नेशनल ट्रस्ट की तरफ से। लेकिन नेशनल ट्रस्ट की हालत अगेन ये रही है कि शुरुआत में जब नेशनल ट्रस्ट आज बना तो उसको 100 करोड़ की पूंजी या कॉर्पस दिया गया, और शुरुआत के 2-3 साल के बाद ही नेशनल ट्रस्ट के बोर्ड ने ये उनके समझ में आया कि इस पर जो ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है उसमें से 2/3 जो है वो इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में चला जाता है और सिर्फ 1/3 रकम उनके पास बचती है, उसके अंदर कई स्कीमों के लिए पैसा इनके पास नहीं है, और सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की थी कि सालाना गवर्नमेंट उनको ये कोई एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन दे, या ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। तो इस वजह से भी बहुत लिमिटेड, मतलब जैसे हमारी संस्था है बेंगलोर में कर्नाटका पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड सिटीजन, ये संस्था 42 साल की है, और जब शुरू हुआ था तब इसका नाम ये रखा गया था, अब हमने इसका नाम बदली करके कर्नाटका पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ सिटीजन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज ऐसे किया है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो व्यवस्था की है वो हम सब सुविधाएं ये जो चारों डिसेबिलिटीज के बच्चे हैं जिनको नेशनल ट्रस्ट कानून में शामिल किया गया है, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये बच्चों की सारी सुविधाओं को हम सारी सुविधाओं को देख पाए, इसके लिए हम सन 2000 में ही 2000 से ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना नाम नहीं चेंज किया था, ये नाम हमने 2 साल पहले चेंज किया। तो हमने ये, और हमारी संस्था के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि हमने क्या किया है, लेकिन पहले मैं ये नेशनल ट्रस्ट के स्कीम के बारे में अपना निवेदन पूरा करूंगा। तो ये जो बीपीएल का घरौंदा स्कीम की मैंने बात की, इसमें इतना ही सीमित वो रखा गया था कि 5 बच्चों के सिवा दादा वो नहीं देते थे, और जिनके पीछे 8 लाख रुपए का मतलब प्रति बच्चे के लिए 8 लाख रुपए इन्होंने हमको डिपॉजिट FD में रखने के लिए दिए थे। तो हमारी संस्था ने इसको लिया था 2013 से हम इस स्कीम को कर रहे थे, और हमारे यहाँ 5 बच्चे अभी भी उस स्कीम में है, लेकिन बाद में जाके रिसेंटली पिछले साल या उसके पहले शायद ये स्कीम को रिवाइज किया गया है, और अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो हमको अभी KPA हमारी जो संस्था है उसको अभी 20 ऐसे बच्चे रखने के लिए इनका अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले तो बहुत ही सीमित थी, अभी 20 बच्चे का अरेंजमेंट करने के बावजूद भी ये स्कीम का फायदा जितने लोगों को मिलना चाहिए एक्चुअली वो नहीं मिले।
क्योंकि अगर हम 2001 के सेंसस के मुताबिक भी जाए, 2011 के सेंसस के मुताबिक भी जाए, तब भी हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि और उनमें से 30% संख्या के बच्चों के लिए जो एडल्ट हो गए हैं उनके लिए ये जरूरी है कि इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध हो, जैसे ग्रुप होम है। गडकरी सर, आई विल से जस्ट, वी हैव 5 to 6 मिनट्स सर, प्लीज करेक्ट योर पार्टन। अच्छा नहीं, वी हैव 5 to 6 मिनट्स। या तो ये नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं असिस्टेंट लिविंग के लिए तो उसमें ये सुविधा होनी चाहिए। और जैसे नेशनल ट्रस्ट बोर्ड ने सरकार से लगातार ये मांग की है कि उसका कार्पस बढ़ा के इसको 1,000 करोड़ का बनाया जाए, वो जब तक नहीं बनाया जा सकता तो घरौंदा, निरामया या और जो स्कीम्स है नेशनल ट्रस्ट की वो नहीं चल सकेगी, जिसकी जितनी जरूरत इस सेक्टर कुछ इसकी है वो पूरी नहीं हो सकती। अब मैं अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा कहूँगा कि हमने ये संस्था 42 साल पहले बनाई और उस समय से लेके 20 साल के अंदर हमने ये रियलाइज किया कि जब तक इन बच्चों के लिए ऐसी सुविधा निर्माण नहीं की जा सकती तो तब तक के इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए हमने एक ग्रुप होम बनाने की स्कीम आज से 25 साल पहले बनाई और उसको इंप्लीमेंट किया गया। आज 14 साल से हम इस हमारे ग्रुप होम को, जिसका नाम है विश्व शांति निकेतन, उसको चला रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे अभी फिलहाल हमारे यहाँ 53 बच्चे रहते हैं जिसमें 16 औरतें हैं, मैं और सभी एडल्ट है। हमने ये कानून बनाया है हमारे यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें जब तक के बच्चा 18 साल से ऊपर का नहीं होता है तब तक के हम उसको एडमिट नहीं करते हैं। हमने इसके साथ साथ हमारे इस कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ा वोकेशनल सेंटर भी खोला हुआ है जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। और बाकी हमने एक स्पेशल स्कूल बनाया है RCI के मुताबिक जहाँ पे 60 बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है। तो ये सब सुविधाएं हैं और हमने ये सोचा है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि हम कम से कम खर्चे में इनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी, और जैसे सीमा जी ने कहा कि जैसे घर के, हम हमारे ग्रुप होम को होम अवे फ्रॉम होम ऐसा कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि घर में जैसे सुविधाएं हर बच्चे को मिलती है वैसी ही सुविधा यहाँ मिलने का हमने प्रयत्न किया है अभी तक और उसमें काफी हम सफल हुए हैं। लेकिन हमने, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसी स्थिति में इस संस्था को लाए कि हम इनको कम से कम और भी कम खर्चे में, आज आपको अचरज होगा ये सुन के कि हम सिर्फ 8,500 रुपये हर बच्चे के मेंटेनेंस के लिए लेते हैं और हमारा जो खर्चा है वो हर एक बच्चे के ऊपर 1,000 रुपया हमको और जोड़ना पड़ता है हमारे फंड्स में से। तो हमने ये सोचा है
कि हमें 10 करोड़ का कॉर्पस हमने बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और मुझे ये बड़ी खुशी होती है ये बताने के लिए कि अभी तक हमने 3 करोड़ रुपया हमारे कॉर्पस में जमा किया है, और उसका इंटरेस्ट जो आता है उसमें से हम ये बाकी लोगों का खर्चा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ जो है उनकी सैलरी, उनके रहने का बंदोबस्त, ये इसके ऊपर, और जो स्पेशल एजुकेटर और वोकेशनल ट्रेनर्स है, केयर गिवर्स है और एम्प्लॉइज है, इनकी सब सुविधा के ऊपर भी बहुत खर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये व्यवस्था की है। और हम एक चीज और भी बड़े अभिमान से कह सकते हैं कि हमने ये जो 5 करोड़ के एसेट्स बनाया है, हमारा जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसकी कीमत आज बाजार में 5 करोड़ रुपया है। ये सारा पैसा हमने डोनेशन से इकट्ठा किया और ये हमारा ग्रुप होम बना है। हम ये आखिरी में मैं ये कहूंगा कि ये जो नेशनल ट्रस्ट है उसकी 3 स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो है ये घरोंदा स्कीम है, और दूसरा ये निजामया है, गार्डियनशिप है। ये स्कीम्स के लिए सरकार जितना पैसा दे सकती है उतना कम है, और ये बिल्कुल इरादा अपना ये गवर्नमेंट छोड़ दे। हम पेरेंट, मैं भी खुद एक पेरेंट हूँ और पेरेंट मूवमेंट का चालक भी रहा हूँ, हम आखिरी दम तक इसके लिए लड़ते रहेंगे कि ये चीजें जो है ये चलते रहनी चाहिए, इसको किसी भी हालत में खारिज नहीं हम होने देंगे, यही मेरी ये है। और ये आशा रखते हुए कि ये सारी चीजें आगे बढ़ेगी, हम अपने बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स के असिस्टेंट लिविंग के लिए बनाएंगे, और इनको जितना इंडिपेंडेंट बना सकते हैं अपने लिविंग के लिए उतना बनाने की कोशिश करेंगे, ये मैं आशा करके अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आपका जो विचार, आपके जो विजन है, सच में हम लोग एक नेशनल ट्रस्ट को बचाएंगे और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे और भी इनोवेशन लेकर आएंगे। अगर आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद रहा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच मैडम प्रियोलाल जी हैं, सी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रफेल इंटरनेशनल सेंटर इन उत्तराखंड, और मैडम बाय प्रोफेशन सी इज द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड सी हैज बीन अवार्डेड बाय राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वी वेलकम मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड इवनिंग, प्लीज मैम सुनाई दे रहा है? गुड इवनिंग, थोड़ा सा आवाज रेज करना जी। कैन यू हियर मी नाउ? यस नाउ, ओके फाइन मैम। थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया टू शेयर माय थॉट्स ऑन दिस टॉपिक, दैट इज द डेवलपिंग असिस्टेड लिविंग प्रोजेक्ट्स इन रिमोट एरिया। और मैं हर समय उत्तराखंड के रेफरेंस देते रहूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, और उत्तराखंड इज रिमोट, ये रूरल है, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ के वेदर कंडीशन बहुत ही कठोर रहते हैं, बर्फ पड़ती है, बहुत तेज बारिश पड़ती है। So I will give a lot of references to Uttarakhand. मैं इस फील्ड में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर रेफेल में 2009 से हम लोग एक असिस्टेंट लिविंग प्रोग्राम चला रहे हैं। हम उत्तराखंड के स्नैक हैं, हमारे यहाँ घरौंदा स्कीम भी है और हमारा एक रेजिडेंशियल सेंटर भी है जो बिल्कुल फ्री में हम चलाते हैं। मैं बहुत ब्रीफली बात करूंगी, आई थिंक सबने बहुत लंबा सुन लिया और आई डो नॉट वॉन्ट टू रिपीट फैक्ट्स। मेरा मेन आई थिंक मकसद ये है कि आई होप कि इसके बाद डिस्कशन होगा और एक्चुअली कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। पहला क्वेश्चन
डू वी नीड सच अ प्रोग्राम एंड मैं बिलीव करती हूँ कि इसका जवाब इज यस. ऑल्सो द फैक्ट कि आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब है कि इसकी डिमांड है, देर इज अ नीड. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई नेशनल ट्रस्ट वॉज सेट अप. ये प्रश्न को जवाब देने के लिए जो पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे बच्चों का क्या होगा, और ये पेरेंट्स का जो पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये इनका सबसे बड़ा कंसर्न है. यदि हम जो बैठे हैं आज पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं कि वो अपने कम्युनिटी में लगभग किसी तरह से इंडिपेंडेंटली रह सकते तो हम अपनी ड्यूटी में फेल हो गए. और ये स्पेशली जो परिवार हमारे हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जैसे कि उत्तराखंड में, इन परिवारों में इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई गार्डियन अपॉइंट करना नहीं है, कोई इनके बच्चों को देखभाल नहीं करेगा बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, अपने घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, नथिंग. और COVID-19 के बाद ये और भी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो गए. सो लुकिंग आफ्टर एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कम्युनिटी पे पड़ती है. इट इज द कम्युनिटी जिसको हमने सपोर्ट करना है ताकि यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल होगा. ये भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है, बट आई डोंट थिंक कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज, आई डोंट थिंक कि ये हम इसको ट्रूली रियल सेंस में समझ पाए हैं. और 1999 एंड 2002 के बाद टिल नाउ फॉर 20 इयर्स आई डोंट थिंक कि वी हैव रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी so that people with disabilities can live as independently as possible. How? कैसे किया जाएगा? पहले हम resource mapping के बारे में बात करते थे. Community में what are the resources for people with disability? ये सब कुछ change हो गया. COVID के बाद उत्तराखंड में floods आ रखे हैं. आपने शायद टीवी में pictures देखे हैं. Pool टूट गए हैं. बहुत सारे एरियाज हैव बीन कट ऑफ. बहुत लोगों के लाइव्स हैव गॉन. रिसोर्सेज नहीं हैं. एंड रियली जो रिसोर्सेज बाकी हैं कोई इनको पर्संस विद डिसेबिलिटी के लिए यूज नहीं करने चाह रहे हैं. मैं अभी आप में रिमोट एरियाज के बारे में बात कर मेट्रोज एंड सिटीज में इट इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. रिमोट एरिया में पर्सन एडल्ट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो क्या होता है मैं शेयर करने जा रही हूँ. रेफर हमारा एक कोलैबोरेशन है उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा के साथ, और पिछले काफी महीनों में हमने लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल किया है. पिछले दो हफ्ते में हमने टिहरी गढ़वाल जो यहाँ से करीब 3 घंटे का रास्ता है एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन कैंप में मदद करने गए थे. एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को जंगल में मिले. वो जंगल में अबैंडन थे और उनको प्रधान ले आए थे कैंप में. और इनको कभी कभी गांव वाले खाना देते हैं जैसे आप किसी जानवर को खिलाते हैं. और किसी तरह से इनकी एनरोलमेंट है समाज के लिए हमने, और डिसेबिलिटी पेंशन किसी को मिल रहा है. इनको कितना मिलता है हमें नहीं मालूम. ये आपको याद रखिए कि जंगल में हैं अकेले. जो लोकल पीपल थे वो डेस्परेट थे कि इनका सर्टिफिकेट बना दीजिए ताकि पेंशन किसी के हाथ में जाएगा, ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी ये कोई ना कोई इनको एक्सेस कर सकता है. दिस इज द सिचुएशन. ये पॉवर्टी के कारण है. पॉवर्टी इज लिंक्ड विद डिसेबिलिटी. Remote areas mein there is a very very big need. Assisted living program kya hai ye humne sab mein discussion kar liya hai. It is assisting somebody with living. Aur ye do teen prakar ke ho sakte hain. For example hamare yahan
हमारे पास हम 18 इयर्स के बाद हमारे मेल्स एंड फीमेल्स के लिए छोटी सी फैसिलिटी है, 2-3 साल की ट्रेनिंग देते हैं इन अ होम एनवायरनमेंट, और कुछ साल के बाद 3-4 साल के बाद वो अपने फैमिलीज में वापस चले जाते हैं। यह प्रोग्राम कैन बी लाइफ लॉन्ग है, जहाँ पे एडल्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी को ट्रेनिंग इन सम स्किल कर सकें और वो बाहर जाके कोई जॉब करे और फिर वो प्रोग्राम के शेल्टर में वापस आए। और यह इट हैज टू बी लाइफ लॉन्ग केयर, जहाँ पे एडल्ट पर्सन जिसको सीवियर डिसेबिलिटी है उनको हम लाइफ लॉन्ग केयर देते हैं। और मुझे लगता है कि रिमोट एरिया में ये जो लास्ट है इसकी जरूरत है, सो दैट सिचुएशन जैसे टीवी में हमने देखा वो रिपीट ना। मेरे पास जवाब नहीं है कि ये कैसे किया जाएगा, बट रिमोट एरियाज में इसको अफोर्डेबल या फ्री बनाने की जरूरत है। हाउ विल इट रन, आप क्या क्या इश्यूज हम फेस करेंगे? सबसे पहले आई फील कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू लुक आफ्टर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये तभी हो सकता है जब डिसेबिलिटी एक प्रायोरिटी इशू बनेगी हमारी स्टेट्स में। पहला क्वेश्चन आएगा बजट, That will be the first question, और शायद वहीं पे discussion खत्म हो जाएगा क्योंकि इस वाले program का funding कौन करेगा? Remember, this is in the remote area. मुझे इसका बहुत concern है, and I hope कि जब हम discuss करेंगे, this will go beyond the budgetary restrictions. And the fact of the matter is कि पैसे के बिना और budget के बिना ये schemes हम नहीं चला सकते हैं। Caregivers, ये caregivers आपको कहाँ से मिलेंगे रिमोट एरिया में? डॉक्टर भुवन हैड सेड कि सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट हैव क्वालिफिकेशंस, आई एग्री 100%, बट ये सर्विस प्रोवाइडर्स विद क्वालिफिकेशन आर नॉट अवेलेबल इन द रिमोट एरिया। केयरगिवर्स विल नॉट बी डिफिकल्ट बिकॉज रिमोट एरिया में बहुत अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स हैं। नेशनल ट्रस्ट हैज टू हैव अ कोर्स, जैसे कि ब्रिज कोर्स है या फिर केयरगिवर्स ट्रेनिंग कोर्स है। यंग पेरेंट्स आजकल जिनके डिसेबल बच्चे हैं, दे आर वेरी विलिंग टू डिवोट टाइम, उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको छोटी सी स्टाइपेंड चाहिए, पर हमें इनको मोटिवेट करना होगा। और जैसे सीमा जी सेड दैट वी कैन टाई इट अप विद अ सीनियर सिटीजन लिविंग प्रोग्राम, बुजुर्ग लोगों के जगह चाहिए टू लिव एंड दे मे बी एबल टू हेल्प विद द असिस्टेड लिविंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। रिमोट एरिया में मेंटरिंग कैसे होगा? You have to tie up with some NGO to mentor and supervise, but the NGO will want funding again. आपको vocational training की जरूरत है, local instructors local skills सिखाएंगे। हमारे पहाड़ी इलाके में mostly खेती होती है, और जब इन लोग कुछ काम कर सकेंगे तो हमारी community का attitude change होगा। Today 2021 में हमारे remote areas में adults with intellectual and developmental disability को पागल बोलते हैं, because even civil administration is not aware कि mental illness और IDD में कोई difference है। तो जब difference मालूम नहीं है तब आप program कैसे चलाएंगे? तो step by step क्या करें? I just want to sum up, the need is very urgent, it needs priority. It has to become a priority with the state government. Mr. Shukla सुन रहे हैं, उत्तराखंड को आप डांटते हैं कि हम स्नैक है, हम आरओ हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं विद उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज नेशनल ट्रैक्ट एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास कर दिया था और सीधा आप डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम नेशनल ट्रस्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। हाउ विल वी गेट द सपोर्ट ऑफ द स्टेट? अवेयरनेस के साथ स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर द रिमोट एरियाज। हमारे काम के हम अबाउट रिमोट एरियाज में 30,000 स्टेक होल्डर्स के साथ हमने अवेयरनेस किया है, अबाउट 3,000 चिल्ड्रन वी हैव आइडेंटिफाइड इन द रिमोट एरियाज। एक भी सर्विस नहीं है, देयर आर नो सर्विसेज। सो व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेंटल इलनेस एंड आईडीडी, देन हाउ कैन वी स्टार्ट टू इंप्लीमेंट एनी सर्विस? RCI से टाई अप कीजिए कि ये कैडर और स्पेशल एजुकेटर्स बनाना है जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू एम्प्लॉय, बट जो आपके नए इनके जो न्यू रूल्स है ऑनलाइन एडमिशन,
हमारे यंग पीपल जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनके कोई कनेक्टिविटी इश्यूज हैं और नो कनेक्टिविटी, हाउ कैन दे इवन अप्लाई फॉर द एडमिशन? आई मीन आई डोंट नो, मे बी आई पुट अप मोर मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस, बट असिस्टेड रिमोट एरियाज में बहुत अलग किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे एंड आई होप दैट वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड, हैव सम डिस्कशन एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for your very, you have opened the mind, and this is very true. We can say that the support of the state government or the government support is very minimum, and even the understanding about in the government level, understanding in the administration level is, I think it is lacking. We have a lot of things to work with them. Now the floor is open for the question and answer or any suggestion anyone wants to say. I would like to request everyone, whoever wants to talk or whoever wants to say anything, please raise your hands. I will unmute yourself. I will unmute you. Yeah, please. Anyone who has any question or anything. किसी के पास कोई प्रश्न हो, कोई suggestion हो, सलाह हो, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं. कोई सुझाव हो तो वह भी रख सकते हैं. आप यस अब्दुल मलिक जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. जी जी डॉक्टर अलोक, गुड आफ्टरनून. नमस्कार सर. सर हम पिछले 20-25 सालों से पर्संस विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. सर हमको इस 2 साल के दरमियान में जो अनुभव आया है उससे ये पता चला है कि नेशनल ट्रस्ट की जो स्कीम्स आज तक एग्जिस्टिंग हुआ करती थी, जैसे घरुंदा है, निरामया तो ठीक है चल रही है, लीगल गार्डियनशिप तो ठीक है चल रही है, लेकिन रेसिडेंशियल फैसिलिटीज की जो स्कीम्स हमारी नेशनल ट्रस्ट की ओर से चलती थी उसका चलते रहना बहुत जरूरी है, ये पता हमें इस COVID-19 ने बताया है. सर मेरा अनुभव यह आया है कि हम लोग हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल्स हैं कि साहब हमारे बच्चे को जल्द से जल्द आप हमारे घर से ले जाइए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं है, हम अपने उन के बच्चों को यहाँ नहीं ला सकते. तो अगर ये स्कीम एक्टिव एग्जिस्टिंग होती तो शायद हम उन स्कीम्स में ये बच्चों को रिफर करते जहाँ पे 24 आवर्स ये बच्चे रह पाते हैं. तो हमारी ये विनंती और रिक्वेस्ट है सारे स्नैक से और दिल्ली गवर्नमेंट से, नेशनल ट्रस्ट से, के घरुंदा जैसी स्कीम्स को एग्जिस्टेंस दें और उसको और ज्यादा मजबूती दें. सर यस वेरी ट्रू आपने कहा कि अगर नेशनल ट्रस्ट इम्पावर्ड हो, नेशनल ट्रस्ट में कुछ इस तरह के जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं उसके लिए शुक्ला सर, इफ यू आर लिसनिंग एनीबॉडी फ्रॉम नेशनल ट्रस्ट, नवनीत सर, यू कैन आंसर दिस प्लीज. शुक्ला सर और नवनीत सर, एनीवन प्लीज. सुरेश भाई पाटिल भी इसका अनुभव लिए होंगे, वो हम प्राउड हैं कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं. सुरेश भाई पाटिल जी जी. मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सरकार के लेवल में हुआ है इस कोविड सिचुएशन में, उन्होंने सिर्फ एक गाइडलाइन जारी किया है और वो गाइडलाइन जारी करके फिर उन्होंने पल्ला झाड़ा है, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो चाहे कहीं भी हो. जहां तक नेशनल ट्रस्ट की स्कीम्स थी तो अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो जितने भी स्कीम्स थे तो उन्होंने उस फंड को डाइवर्ट किया उस बच्चे को कोविड सपोर्ट के लिए, कि बहुत सारे बच्चों को खाने पीने की असुविधा थी या उनके रहने की असुविधा थी, बहुत सारे ऐसे मेडिकल या सपोर्ट थे, तो जो बच्चे को स्कूल में मिलता वो उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई. लेकिन जहां तक सवाल है असिस्टेंट लिविंग या फिर घरोंदा या सामर्थ्य स्कीम्स का, तो उसमें बहुत ही पहले ही, इवन कि कोविड आने से पहले ही इसके जितने भी स्कीम्स थे उसको मर्ज कर दिया गया, उसमें फंडिंग कम कर दिए गए, उसमें लिमिटेड रिसोर्स कर दिए गए. तो आई थिंक देर वॉज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशन आई कैन से, कि जिसके कारण से ये कुछ हो नहीं पाया. नवनीत सर यू आर हियर. हेलो जी. जी, बस इसी को मैं थोड़ा सा ऐड करते हुए कहूंगी, जो हमारी स्कीम रीपैम्प करी 2016 में,
जो घरांदा स्कीम रीवैम्प करके, ठीक है हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव है आपको बीपीएल को सपोर्ट करना जी, बट ये एक चैलेंज, क्योंकि नेशनल ट्रस्ट अपने आप तो ऑपरेट नहीं करते, कोई कोई भी ऐसे फैसिलिटी ऑपरेट नहीं करती गवर्नमेंट सिवाय एक आशा किरण को छोड़ के इस तरह से। तो जो एक पेरेंटल इनिशिएटिव से या किसी एनजीओ के इनिशिएटिव से अगर ऐसी कोई फैसिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है, उस पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं सोचा गया कि 50% बीपीएल 50% एपीएल। हाउ कैन यू रन अ फैसिलिटी जिसमें आप मिनिमम क्वालिटी भी कहें, उनको एम्प्लॉयमेंट भी बात करें, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग भी बात करें, उनकी हर सुविधा पे आप बात करें, लेकिन सपोर्ट देने के टाइम पे ना फंड्स हैं और ना ही उसमें कोई प्रोविजन अब छोड़ा है कि कोई इस तरह की घरांदा स्कीम कोई भी नहीं लेगा। मैम जहां तक सवाल है, जो भी स्कीम्स बनाए गए बाद में रिवैम्प किए गए, वहां पर खास करके जो डिसेबिलिटी सेक्टर में जो एक्सपीरियंस लोग थे, जाए लाइक गडकरी साहब, लाइक हमारे मुस्कान के रिप्रेजेंटेटिव या जो भी थे, उन लोगों को उस रिवैम्प में सलाह मांगा गया, लेकिन सलाह के बाद भी क्या हुआ पता नहीं। और अगर हम कहें रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी इटसेल्फ हैज द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 4% एज पर दिस एक्ट, उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं जी आप इस रिजर्वेशन के अंडर अगर बीपीएल में है तब आपको हम सपोर्ट करेंगे, अगर आप एस सी एस टी है तब सपोर्ट करेंगे, तो ये तो फिर एक बहुत मतलब आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड प्रपोजल हुआ, कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स हुआ। तो इसमें भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, वी नीड स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। इसमें एक और जो डिबेट करने का है, बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप बीपीएल कैटेगराइज करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, स्टिल नॉट कंसिडर्ड एज बीपीएल। फैमिली इनकम को उनकी इनकम बता दिया जाता है, जब फैमिली नहीं रहेगी तो वो फिर करेंगे कौन, कराने आएगा कौन, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेने जाएगा उनका। मेरे ख्याल से जब यूएनसीआरपीडी पढ़े या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़े, तो जो भी रिजर्वेशन के बारे में बात कही गई है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के प्रीव्यू में कही गई है, ना कि उसको हम उसके इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें, ना कि उसके सोशल स्टेटा को देखें, इस तरह से नहीं कहा गया। अगर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो दे आर इंटाइटल्ड फॉर दैट रिजर्वेशन, दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम। तो ऐसी बात, ऐसा प्रोविजन मेरे ख्याल से जब ये स्कीम बन रहा था तो वहां पर तो ये बहुत बड़ी असुविधा हुई है। अभी शुक्ला सर जुड़े हैं तो मैं शुक्ला सर से चाहूंगा कि इसका कोई सॉल्यूशन है तो आप बताइए सर। आलोक जी, सॉरी आलोक, एक सेकेंड, मैं जरा सा दूसरी मीटिंग भी कंटिन्यूअस एक लगातार चल रही थी जी, तो जी, मैंने फोन रखा था, मैंने गडकरी साहब तक तो आपको कंटिन्यू किया बीच में, तो मेरे ख्याल से बस प्रियो लाल साहब का थोड़ा सा मेरे से छूटा, तो क्या प्रश्न एकदम से जरा बताएंगे एक बार फिर से। प्रश्न ये है सर, जो रिवैम्प हुआ, जो स्कीम्स में फिर बीच में बदलाव हुआ, जो पुराने स्कीम्स में जी जी, उसमें जो एक सिस्टम बनाया गया कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी इज द वन रिजर्वेशन काइंड ऑफ क्राइटेरिया, वी वर्क फॉर दैट टारगेट ग्रुप, उसके अंदर अगर वो बीपीएल है देन द पर्सन विल गेट द, और मैं इसका आंसर मैं देता हूँ जी जी। देखिये 2016 में पहली बार राष्ट्रीय न्यास में जो लोग भी हमारे सेक्टर से जुड़े हुए हैं और सभी जाने पहचाने लोग हैं, और जैसा कि गडकरी साहब ने बताया 99 से वो ड्राफ्टिंग कमेटी में भी रहे, तो सबको ये मालूम है कि 100 करोड़ रुपया कॉर्पस राष्ट्रीय न्यास को 1999 में दिया गया था, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले तो था घटते घटते बहुत कम हो गया है, और 2016 के पहले कोई बजटरी सपोर्ट नहीं था, और अगर आप लोग याद करें तो 2010 या 11 के बाद से ही सारी स्कीम में टेम्परिंग ग्रांट होती गई थी, और मुश्किल से घरौंदा रौंदा बेनिफिशियरी में मेरे ख्याल से किसी को 1000 किसी को 800 घरौंदा तो था ही नहीं, समर्थ जो था, तो इस तरह की ग्रांट जा रही थी। तो पहली बार जब 2016 में जब बजटरी सपोर्ट हमको मिला, तो ऑफ कोर्स जब हमें आईएफडी से या क्लियरेंस या कहीं से लेना होता है तो स्वाभाविक है कि उसमें बजटरी प्रोविजंस का और कैसे मैनेजमेंट होगा, क्या सिस्टम होगा, ये रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा समाज के वंचित अर्थ, नेशनल ट्रस्ट ने एक बात मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, जेंडर और कास्ट वाइज नहीं कुछ रिजर्वेशन किया,
जबकि भारत सरकार की जितनी स्कीम है आप देख लीजिए वो जेंडर और कास्ट वाइज बहुत है, और इसका हम लोगों के ऊपर मंत्रालय से समय समय पर अक्सर पूछा जाता, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमारी दिव्यांगताएं खुद ही इतनी मार्जिनलाइज्ड है, इतनी सीवियर डिसेबिलिटी है, तो अभी इन चीजों को इसमें रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर हम सबको कैटर नहीं कर सकते हैं तो जो मोस्ट इकोनॉमिक वीकल सेक्शन है दैट इज कॉल्ड बीपीएल, उनको 100% फंडिंग करने का प्राविधान किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत ह्यूज डाटा आ रहा था और हमें लगता था कि हम कर भी नहीं पाएंगे, तो कम से कम जिसका कोई नहीं वहां पर बीपीएल को हमने एड्रेस करने की कोशिश की, और इस परेशानी को चूंकि हमने अक्रॉस द कंट्री स्टेक होल्डर से आप सभी लोगों से उस समय विचार विमर्श किया था, तो इस बात को ध्यान करते हुए एक लोअर इनकम ग्रुप का भी हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ये जानबूझ के स्कीम में डाला LIG, और लोअर इनकम ग्रुप को भी हमने ऐसा बताया कि हर जगह का बीपीएल अलग अलग होगा, उसका लिमिट जैसे महाराष्ट्र में कुछ है, दिल्ली का कुछ है, कलकत्ता का कुछ है, गोवा का कुछ है, तो हमने एक जनरल डेफिनेशन उसमें इसीलिए डाली कि जो लोअर इनकम ग्रुप क्या होगा, क्योंकि हम कोई एक पर्टिकुलर स्टेट एक पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बनाते स्कीम, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो सबके लिए, तो हमने उस स्टेट का जो भी बीपीएल होगा प्लस 50% ऐड करके LIG लोअर इनकम ग्रुप बनाया। तो उसके पीछे मात्र एक कारण ये था, वायबिलिटी, एक तो राष्ट्रीय न्यास के पास में जो भी पैसा बजटरी सपोर्ट मिलेगा उसके माध्यम से हम इस, क्योंकि फंडिंग पैटर्न हम लोग भी याद कीजिए, राष्ट्रीय न्यास का फंडिंग पैटर्न 2016 में जो हमने रखा पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्कीम में ऐसा फंडिंग पैटर्न नहीं था, उसकी बाकायदा हमने साइंटिफिक एनालिसिस प्राइस वाटर कूपर्स और आप अपने स्टेक होल्डर से, कोई भी भारतवर्ष में जो एनजीओ होंगे आज जितने भी लोग, मैं नहीं समझता कि वो ये कह सके कि राष्ट्रीय न्यास उस समय उनसे संपर्क नहीं किया या उनको सुना नहीं, और तभी एक बहुत अच्छा फंडिंग पैटर्न और जिसे कहते हैं स्कीम गाइडलाइन क्या होगा, हर सेंटर में कितने लोग रखे जाएंगे, मतलब हर छोटी से छोटी चीज को उसमें कवर किया गया, ऐसा नहीं कि 100 लोगों को एक साथ आप भीड़ में भर लीजिए, एक स्टैंडर्ड हमने हर स्कीम के लिए, चाहे वो रेजिडेंशियल केयर का हो, चाहे वो डे केयर सेंटर का हो, क्या स्टाफ होगा, कितने बाय कितने का कमरा होगा, कितने रखे जाएंगे स्टूडेंट कैपेसिटी, मतलब इन छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रख के ये किया, तो इसके पीछे मात्र यही कारण था, और उसको हमने फेस भी किया 2018 में। आप लोगों को मालूम होगा कि 17 में हमारी फंडिंग पैटर्न को रिड्यूस कर दिया गया था, इवन जो एग्जिस्टिंग 2016 में हमने दिया था, सिर्फ इसीलिए बड़ी मुश्किल से अभी हमने 2019 में या 2020 में 1 अप्रैल 2020 से हमने उसे रिस्टोर किया, लेकिन यही एक कारण था कि हमने LIG और बीपीएल को रखा और आज भी अभी हम उस पर स्टिक कर रहे हैं। सेक्टर से ये डिमांड है कि हमारे सारे लोगों किया जाए, ना एग्री विद यू, लेकिन सवाल बस उसी हर चीज का, आप लोग भी इस चीज को मानते हैं कि वायबिलिटी इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, भाई आपके पॉकेट में जितना पैसा होगा उसी हिसाब से तो आप करेंगे, इट्स अ लिटिल बिट ब्लंट बट आई डोंट वांट टू गो। नो नो सर 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 एक चीज है, यहाँ पर गडकरी साहब है, गडकरी साहब इफ यू आर हियर, मैं गडकरी साहब को पहले तो मेरा प्रणाम, मैंने उनकी आवाज तो सुना और बहुत दिन बाद सुना, वैसे हालांकि उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आपने जो बीज लगाया है, जो वृक्ष बना है, तो ईश्वर का विधान है, जब तक लगाने वाला भी वही है और चलाने वाला भी वही है, बाकी संसार में पतझड़ आंधी तूफान आते रहते हैं, सब चलता रहता है। इस फोरम पर यहाँ पर मैं उस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि असिस्टेड लिविंग का प्रोग्राम है, बाकी उनकी बातें सर्वथा गडकरी साहब अनम्यूट योरसेल्फ, गडकरी साहब अनम्यूट योरसेल्फ अगर आप बोल रहे हैं। गडकरी साहब मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप अभी जैसे नेशनल ट्रस्ट के बारे में बहुत सारी बातें कही, इस बीच में जो हमारा 2016 का एक्ट आया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जी, उसमें 1% रिजर्वेशन बढ़ाया गया स्पेशली फॉर दीज कैटेगरीज, द इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अगर देखा जाए सर, आधा परसेंट है वो जी, वो आधा परसेंट है क्योंकि आधा परसेंट ही मैं कहता हूँ सर, आधा परसेंट इज इनफ ओके और वह आधा परसेंट नेशनल ट्रस्ट कैटर करती है। अगर हम एक इकोनॉमिकली देखें कि जो भारत का पूरा बजट है या जो प्रोविजन है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर उसमें से आधा परसेंट पैसे भी अगर नेशनल ट्रस्ट को मिल जाए तो आई थिंक कि हम लोगों का बहुत सारा काम इस सेक्टर का उद्धार हो सकता है,
मैं गडकरी साहब से यही कहूंगा कि हम लोगों को गाइड कीजिए कि इसके प्रति कैसे एडवोकेसी किया जाए। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा। अभी शुक्ला जी बता रहे थे कि 2016 में गवर्नमेंट ने पहली बार कुछ बजेटरी एलोकेशन देने का अनाउंस किया। मेरा ख्याल वो रेफर कर रहे हैं वो जो 83 या 84 करोड़ इन्होंने अनाउंस किया था। शुक्ला जी थोड़ा ये बताइए कि इसमें से एक्चुअली रिलीज कितना हुआ नेशनल ट्रस्ट को? गडकरी साहब सुनिए, वो कम हुआ था जिसकी वजह से हम लोग बजट जो था स्कीम की फंडिंग रिड्यूस कर दिया। वो यहाँ बताइए ना कितना कम हुआ था। हम वो सब मटेरियल लेके नहीं बैठे हैं, लेकिन आपकी बात सही है। हमको तो पता है कि 20 करोड़ से ज्यादा नहीं, इसलिए हम उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, 20 करोड़ से ज्यादा सर उसमें से रिलीज नहीं किया गवर्नमेंट ने। सुनिए और लोग हाँ। जो हमने बिल्डिंग उल्डिंग के लिए भी पैसा इकट्ठा किया था 6-7 करोड़, वो भी हमने अपने स्टेक होल्डर्स में बांट दिया। हमारी सैलरी और उसके लाले पड़ गए थे। करेक्ट, मैं जानता हूँ इन चीजों को। ये जो सरकार का रवैया है तो मैंने तो इसको ये कहा है कि हम एक नए युग में, पिछले 5-7 साल से हम एक नए युग में रह रहे हैं, और उस युग का नाम मैंने तय किया है कि उसको दिव्यांग युग कहा जाए, क्योंकि एक ऐसी उपाधि दी गई कि जितने डिसेबल लोग हैं वो दिव्यांग है। इसका मतलब उनमें कुछ देवताओं का अंश आ गया है, तो उनको पूजा करो, आरती करो और प्रसाद उनके नाम से जो है वो खा लो, ये चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मैं अब सेशन के अंतिम पड़ाव में मैं चाहूंगा कि गुप्ता सर आप हार्डली 2-3 मिनट लेके प्लीज बाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू आलोक, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आलोक, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। आई विल कम टू यू सर, शुक्ला सर आई विल कम टू यू। अभी गुप्ता सर से मैं बाइंड अप सुन लूं, आप सुन लीजिए इनका, देन क्या प्लीज। सर आज जो बात हो रही है वो असिस्टेड लिविंग की हो रही है कि असिस्टेड लिविंग से हम ये कहते हैं कि जो बच्चे अपने घर में नहीं रह पाते वो यहाँ आकर के रहे और उनको हम रहने में मदद करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांजिशन प्लानिंग बहुत आवश्यक, और इस ट्रांजिशन प्लानिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ मैंने जितने भी वक्ताओं को सुना उनमें से किसी ने भी ट्रांजिशन के बारे में बात नहीं करी। ट्रांजिशन बहुत जरूरी है कि वी हैव टू प्रिपेयर, और उसमें जो कंपोनेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, वो कौन कौन है? द फैमिली, द क्लाइंट इटसेल्फ एंड द पर्सन हु इज टेकिंग इट। तो वो ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हमने बच्चे को देखा यहाँ पर सुविधाएं अच्छी लाके रख देता है, एंड द चाइल्ड गेट मिसएडजस्टेड और कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो जाती है। तो बिफोर ब्रिंकिंग हिम टू असिस्टेड लिविंग, वो ट्रांजिशन प्लानिंग हमारे को बहुत जरूरी है, और उसको वहां से ट्रांजिट करने के लिए हमको तैयार कर देना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या होता है कि असिस्टेड लिविंग में आ जाता है, वहां बहुत सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज हमको मिलती है, एंड द चाइल्ड नेवर वांट्स टू गो बैक टू होम, कि वहां उसको बैठने के लिए, खाने के लिए डाइनिंग टेबल मिल रही है, किचन में सोफिस्टिकेटेड उनको मॉडिफाइड किचन मिल रही है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट चिमनी लगी हुई है, सारा कुछ लगा हुआ है। वहां घर में जाकर के चूल्हे में रोटी बनती है, जो हम विलेज की बात कर रहे थे। तो वो चीजें जो है ना असिस्टिव लिविंग के अंदर जो हम बताते हैं, तो हम किस प्रकार के बच्चे ले रहे हैं, किस प्रकार के क्लाइंट्स हमारे पास में आ रहे हैं, उनके वो स्टैंडर्ड को हम रेज करें, मगर इतना रेज ना करें कि बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा असिस्टेड लिविंग के अंदर जब भी हम करते हैं। देन दूसरा कि जब हम बच्चे को ले रहे हैं तो वहां हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन कौन से एरियाज में उसको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। आर दोज एरियाज बीइंग आइडेंटिफाइड, कि उसको बेदिंग में जरूरत है, ईटिंग में जरूरत है, ड्रेसिंग में जरूरत है, मीन कहने का मतलब है एरियाज में जरूरत है, नंबर एक। नंबर दूसरा, वो कौन कौन से काम कर सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये है कि कहते हैं ना कि नो लेडी इन दिस वर्ल्ड कैन रिप्लेस मदर,
and no building can replace your house. तो अगर हम उनको लेकर के आ रहे हैं तो क्या वो माँ बाप के तरह का प्यार उनको हम वो एनवायरमेंट उनको प्रदान कर सकते हैं? Then skill development towards independent living. कि जब हम assisted living के अंदर रह रहे हैं तो उन बच्चों के अंदर हम इस प्रकार की स्किल्स को डेवलप करें, इस प्रकार के विकसित करें. जैसे अभी वो फार्मिंग के ऊपर बोला था, तो फार्मिंग के अंदर जो स्टेप्स हैं उसमें पहली सबसे पहली बात तो है व्हाट वी वांट टू ग्रो, हम क्या पैदा करना चाहते हैं. जब हमने ये डिसाइड कर लिया तो फिर हमको ये डिसाइड करना है उसको किस प्रकार की सॉइल हमको चाहिए, सॉइल में कितना मट्टी चाहिए, कितना रेत चाहिए, कितना खाद चाहिए. तो वो सॉइल प्रिपरेशन के लिए बात जरूरी होती है. देन जब सॉइल हमने प्रिपेयर कर दिया तो देन सीड सिलेक्शन. अभी हम सस्ता वाला बीज लेकर के आ गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. तो वो सीड सिलेक्शन बहुत जरूरी है. सीड सिलेक्शन के बाद में जब आता है सीड सोइंग, सीड सिलेक्ट यस, दाने को हमने कैसे बुना है. तो ये और भी है, मैं ज्यादा स्किल्स, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. तो यहाँ पर ये सारे स्किल्स हैं, इसके अंदर हम उन बच्चों को तैयार कर सकते हैं. अ चाइल्ड कैन बी एक्सपर्ट इन मेकिंग सॉइल्स, अदर चाइल्ड कैन बी एक्सपर्ट इन ग्रोइंग. लास्ट में जब हम क्रॉप हमारे पास में आती है तो वहां सॉर्टिंग की बहुत जरूरत होती है. सारी क्रॉप को हम एज नहीं भेज देते, वो सॉर्टिंग की जरूरत होती है. अगर हम सब्जियां उगा रहे हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं, गन्ना जैसे भी वो गन्ने की इन्होंने बताई थी नर्सरी में हमने गन्ना उगाया, तो सारा का सारा वहां नहीं जा सकता. वो निकालने के बाद में सॉर्टिंग की बहुत जरूरत होती है, खराब बहुत है. तो वो सॉर्टिंग में कौन है, किसको हम ट्रेन कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें, तो ये जो एंड दिस विल लीड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लिविंग. देन जो अभी मैडम ने बात की थी, प्रियोला लाल जी ने बात की थी कि वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहां पर हम ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व कर सकते हैं. वी कैन डेवलप ए सीबीआर प्रोग्राम के ग्राम पंचायत के पास में बहुत सारा फंड हो सकता है. ग्राम पंचायत के पास में कमरे होते हैं, जगह होती है, उनके पास में जगह होती है जहां हम इस प्रकार के होम शुरू कर सकते हैं. तो वी कैन इन्वॉल्व ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत और सीबीआर के थ्रू हम उनको कर सकते हैं. देन अवेयरनेस नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस नहीं है. तो अवेयरनेस हमारे को बहुत बहुत आवश्यक है कि उनको फैमिली के राइट्स और बच्चों के राइट्स, फैमिली के लिए सुविधाएं और बच्चों के लिए सुविधाएं क्या क्या हैं, हमारे कानून क्या क्या हैं, उनके बारे में वहां पर अवेयरनेस अगर हम क्रिएट करें तो हम बहुत जो भी प्रोग्राम हम करना चाहते हैं. क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक बालक रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है. तो जब तक हम सेल्फ हेल्प एडवोकेसी में नहीं आएंगे, पेरेंट्स अपने आप एडवोकेसी नहीं करेंगे तो जागरूकता नहीं आएगी. तो एडवोकेसी तभी आएगी जब हमको मालूम होगा. तो इसलिए क्रिएटिंग अवेयरनेस इज वेरी वेरी नेसेसरी. थैंक यू वेरी मच सर फॉर द टाइम. मे बी आई मे बी रॉन्ग समवेयर. थैंक यू. नो, यू आर ग्रेट सर. नाउ आई विल रिक्वेस्ट उमेश कुमार शुक्ला सर, डिप्टी डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर नेशनल सर. माय गॉड, डिप्टी डायरेक्टर, सुनिए आप लोग. थैंक यू आलो गुप्ता जी. एक्चुअली आई एम सॉरी सर, सॉरी माय मिस्टेक, यू आर द डायरेक्टर program. So It's all right. I am legal advisor, I am program director, and I am all my stakeholders. All in one from I am beloved of my all stakeholders. I have listened. Actually, this is very good seminar. One earlier we have done for TLM kids, teacher learning material, and I was there from beginning to end, and here also, and I have listened everyone. Actually, Seema ji's experience is very good. You can quote it for the urban area. The experience of Suresh Patil ji, and he has given very good picture for rural area. जहाँ भी हमारा घरौंदा अगर हो, rural area में हो, तो कैसे हम उसको motivate कर सकते हैं? और गडकरी साहब का प्रश्न पूरे के लिए था, राष्ट्रीय न्यास जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं. तो जब वो रहेगा तो सब कुछ रहेगा, जब वो नहीं रहेगा तो फिर राम जाने क्या होगा. तो वो अभी चूंकि असिस्टेड लिविंग में, एक चीज मैं बता दूं, इसमें हम राष्ट्रीय न्यास ने एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गाइडलाइन 2011-12 के आसपास में हमने जारी की थी. तो मिनिमम चाहे वो गांव हो या शहर हो, जिसे कहते हैं ना मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो बहुत आवश्यक होती है, रोटी कपड़ा मकान, इसी तरह ये हमने गाइडलाइन जारी की थी.
इसके अलावा एक लोकल प्रोजेक्ट कमेटी भी हमने हर जगह बनवा रखी है, जो भी हमारे रेजिडेंशियल केयर है वो उनके लिए कि उस एरिया को वो असिस्ट करते रहे। और जो प्रियोलाल जी ने कहा स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड और ये सब चीजों के लिए, गुप्ता जी ने भी इस बात को लाए, तो ये बात सही है। स्पेशली घरौंदा इज अ मॉडल, जहां लोग रहते हैं तो वहां उनके पूरी दिनचर्या के साथ में अगर हम उनको लाइवलीहुड के लिए भी तैयार करें, और उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर घरौंदा में जगह है तो वहां पर खेती बाड़ी बाहर नहीं लोग जा सकते, जो बाहर जा सकते हैं भाई हैदराबाद में हमारा जो सेंटर है मंजुला काल्याकर चला रही, वहां लोग बाहर जाके भी काम करते हैं, अर्न करते हैं, आलोक के भी यहाँ समर्थ में बहुत से लोग हैं वो काम करते हैं, तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेन चीज हमें ये देखना है कि खेती बाड़ी को भी करके, दूध वाला भी करके, डेयरी फार्मिंग को, ऑपरेटिव फार्मिंग को भी लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स हाउ टू पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन गो फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, और स्पेशली जो हमारे सेंटर्स हैं हर एक की जरूरत के अनुसार एक, लेकिन एक मिनिमम मूलभूत सुविधा होना बहुत आवश्यक। ये सेमिनार आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी, एक बात बस मैं ये कहना चाहूंगा कि बार बार लोग कहते हैं कि राज्य भाई डिसेबिलिटीज दोनों के लिए, अकेले भारत सरकार या राष्ट्रीय न्यास अकेले नहीं कर सकता। किसने रोका है दिल्ली गवर्नमेंट में, किसने रोका कि भाई आप जैसे आशा किरण बनाए, आप और भी लोगों को एनजीओ को कहिए अपना चलाए, छत्तीसगढ़ तो चला रही रेजिडेंशियल केयर स्कीम, वहां घरौंदा अलग से चल रहा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट भी बनाए, उत्तर प्रदेश भी बनाए कोई, तो ये कहना इस फोरम पर मेरे द्वारा सबको यही है कि आप लोग अपने प्रदेश में भी लॉबिंग कीजिए और इस टाइप के रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट भी अपने उसमें लाए करे, कहीं रोक तो है नहीं, बना सकते हैं। एक मॉडल जो राष्ट्रीय न्यास ने रेजिडेंशियल केयर का बना के सबके सामने दिखा दिया, उसको आप रेप्लीकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और बहुत अच्छा सेमिनार था, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, और बहुत लोगों को कहीं देखने का, डॉक्टर प्रियोलाल जी का भी बहुत अच्छा रहा, गडकरी साहब तो खैर हमारे लिए भीष्म पितामह की तरह है इस उसमें चल रहे हैं, उनका आशीर्वचन सुनने को मिला, और बहुत सारी चीजें उन्होंने इस्टेब्लिश की, उसी पर हम लोग चल भी रहे हैं। पाटिल साहब आपके एग्रीकल्चर आइडियाज बहुत अच्छे लगे, और अमूल दूध उसका बेस्ट उदाहरण है, तो इंडस्ट्री के समकक्ष हमारे घरौंदा में बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया, उसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और सीमा चड्ढा जी ने निश्चित रूप से अर्बन एरिया में, आलोक जी, सीमा चड्ढा या जो ऐसे लोग हैं हमारे, ये एक मिसाल है कि अर्बन एरियाज में कैसे, जो भाई जब शहर का आदमी है उसे एसी भाई महसूस होगा, गांव में एसी की आवश्यकता नहीं है, वहां वो लग्जरी हो सकती है लेकिन शहर में वो बेसिक नीड हो गए। तो ये सब चीजें हैं जो गुप्ता जी ने कहा, ये डिपेंड करता है गुप्ता जी कि कहां किन परिस्थितियों में कैसे हम चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है परिस्थिति काल और समय के अनुसार ही जो निर्णय लिया जाता है वही फलीभूत होता है, वही सफल होता है। तो इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुक्ला सर। नाउ दिस इज टाइम फॉर माय सिंसियर थैंक्स टू यू ऑल, एंड इट इज माय प्रिविलेज टू एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक्स ऑन दिस वर्चुअल सेमिनार on assisted living programs for adults with persons with intellectual and developmental disability. I, on behalf of National Trust and SNAC Delhi, first of all, I extend my most sincere thanks to Almighty God and technology and internet. The program went very well without any interruption. So, and sincere thanks to Gadkari sir for your very, able guidance. I can say your blessings matters for us on behalf of National Trust and my own personal behalf. I am very thankful to you for joining us and providing the very valuable suggestions, ideas, and I do request you, please do guide us in future also so that we can go ahead. And my sincere thanks to Madam Seema Chadda ji. So thank you very much for giving your best suggestions. I must mention my deepest sense of appreciation for Mr. Suresh Patil sir. For thank you, you are giving the great ideas on the agriculture and everything. And sincere thanks to Madam Priyolal ji. We will definitely visit Uttarakhand and we will see that how you are doing, and we will definitely. And we could not have hosted this seminar without the support and guidance of
Mr. Nikunj Kusundaray sir, the Joint Secretary of National Trust, Mr. UK Shukla sir, our Director Program of the National Trust, Mr. Navneet sir, Deputy Director, and all the members like Anita and Muskan and everyone. So we thank you all for your able guidance and support, and thank you Jesse Gupta sir for your feedback and valuable suggestions. And I also extend my special thanks to other staff of the National Trust and members, board members, and your enormous cooperation for the National Trust and whole schemes is very valuable. And we have the team from Manovikas. They are doing the live, they are doing the recordings. So all the technical teams, including Kaniska, Pooja, and all, thank you very much for this support. And a special thanks to finally the wonderful guests and participants, your active participation with such a great affiliation. And we can say the conviction is incredible. And thank you so much for your active participation. Thanks a lot, one and all, directly or indirectly involved in this program. So thank you, Jai Hind. And we will meet very soon. And thank you very much. Aap sabhi ka bahut bahut dhanyawad, bahut bahut abhar is rashtriya karyakram ki mejbani karne ke liye. Hum aap sabhi ka samman karte hain, hamare jitne bhi bhakta hain, sabhi ka hardik swagat, hardik dhanyawad. Ant mein jitne bhi sammaniye हैं, मेहमान हैं, प्रतिभागी हैं, आप सभी की सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच. हम लोग फिर मिलते हैं. धन्यवाद.